लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। This film does not support giving or taking of dowry or bribery. Giving or accepting dowry is punishable under the Dowry Prohibition Act 1961. This film is purely a work of fiction and imagination. Any resemblance to any incident or person, living or dead, is a mere coincidence. This is a light-hearted film and not intended to defame, discredit or hurt the sentiments of any person, place, organization, religion, profession or community. कैसे हैं जीजा जी? अरे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे खाना तो हम भी खाएंगे। फोटो लाए? फोटो? अरे पूरा बायो डाटा निकाल के लाए जीजी, ये देखो। तुम कहाँ घुसिया रही हो? जाओ चिमटा लेके जाओ, गैस बंद करो। पराठा ले आना। हाँ मामा जी। शुक्ला जी की लौंडिया है, सारा डिटेल निकाल लिए हम, और अच्छे घर की है। अम्मा कहती थी ना हमारी, लड़की लाओ तो अपने से छोटे घर की। घर परिवार सारा दबके रहेगा। मामा जी सुंदर लग रहे हैं। वाह। हाँ कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही हैं हमें तो। अब ऐसा ना हो ये बैठकर मेकअप करती रहें और इनके लिए भी हम ही चूल्हे पे चढ़े हुए हैं। अरे नहीं नहीं, हम लोग हैं ना। आप बहू को बिठा कर खिलाएंगी, इसकी उम्मीद तो हमें कम है शांति जी। हाँ जी, आपको हमसे कोई उम्मीद क्यों होने लगी? दिखाओ बेटी, तुम सतो को फोन करो और कह दो कि संडे को लड़की से मिल ले। जी पापा। अब एक बात बताओ, ये लड़की देखते टाइम तुम्हें पसीने का छूटते हैं बे? दे 10 मिनट की मुलाकात में कोई कैसे फैसला ले सकता है? इसी लड़की के साथ शादी करके पूरा जीवन व्यतीत करना है? अच्छा। हाँ? और अगर गलत फैसला हो गया ना बंधु, तो पूरा जीवन बर्बाद है। तो 10 मिनट में मत करिए फैसला। तो महंगी वाली मर्सिडीज गाड़ी बुक करा देते हैं, अपना बढ़िया गाड़ी में बैठ के जाइए, हेडलाइट बम्पर सब ठीक से चेक कर लीजिए। हम बता रहे हैं एकदम सही फैसला हो जाएगा, एकदम सही। एक काम करते ना, तुम्हारी गाड़ी का हेडलाइट बम्पर सब चेक कर लेते हैं, हम सब कुछ भी करा के भेज देंगे। अरे भाभी होगी तुम्हारी, शर्म करो। ओ बेटे, तुम्हारी वाली भाभी और हमारी वाली बे? अरे चलो। अच्छा सुनो। हाँ। हमारे अंडे मत उबालना, मंगलवार है आज। दोस्त अंडे तो अब तुम्हारे देखो उबलेंगे ही, देखने में तो बहुत सुंदर है बे। अबे हमको एक बात समझ में नहीं आ रही, अपने कानपुर में ऐसी लड़की और हमें पता ही नहीं। लाओ बे। हाँ माँ पहुँच जाएंगे। अच्छा सुनो, तुमने सूट कौन सा पहना है? पिंक वाला, वो जो गुड्डी मौसी ने दिया था। और हाँ सुनो, मैचिंग के बुंदे जरूर पहनना। हाँ माँ पहने हैं, पिछली बार भी सेम ही पहने थे। अच्छा माँ सुनो ना। हाँ बोलो। एक आखिरी बार पापा से बात करके देखो ना, शायद वो मान जाए। इतना पड़े हैं, एमए टॉप किया है, हम इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहते। थोड़ा और पढ़ ले, नौकरी कर ले, कुछ बन जाए, उसके बाद जिससे कहोगे उससे शादी कर लेंगे। बस एक आखिरी बार बात करके देखो ना माँ। तुम तो जानती हो वो किसी की सुनते ही नहीं है,
तुमको एमए करने के लिए इलाहाबाद भेजा, उसके लिए आज तक सुनते आ रहे हैं हम। अब आगे पढ़ने वढ़ने की तो तुम भूल ही जाना। अच्छा सुनो, लड़के से तुम अच्छी तरह बात करना हाँ, और जैसी तुम्हारी आदत है उसके सामने बत्तीसी मत बीच बीच में शर्माती रहना। माँ ये शर्माना वर्माना नहीं हो पाएगा हमसे, हम पहले ही कह दे रहे हैं। जितना वो हमें देखने आ रहा है उतना ही हम भी उसे देखने जा रहे हैं। और लड़का लाख अच्छा हो और हम कह दे कि हमें उससे शादी नहीं करनी, तो क्या पापा जबरदस्ती शादी करवा देंगे? आरती बेटा कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या हुआ, सन्नाटा क्यों छा गया? हाँ पापा। यूनिवर्सिटी में कोई लड़का पसंद है आपको? नहीं पापा। एक नंबर की बेवकूफ है आप। पढ़ा लिखा लड़का है, कलेक्ट्रेट में क्लर्क है, सरकारी नौकरी, तिमंजिला मकान। हमारे परिवार की हैसियत से बहुत ऊंचा परिवार है। बार बार इतना अच्छा रिश्ता हम आपके लिए ढूंढ के नहीं ला सकते हैं। आपको कोई IAS या PCS मिलने वाला नहीं है, का समझे? जी पापा। और हाँ, अगर ये लड़का भी पसंद नहीं आया ना, तो जोगी मामा ने 3 और लड़के देख के रखे, साल खत्म होने से पहले आपकी शादी निपटानी है, का समझी? जी पापा। तो चुपचाप जाओ और लड़का देखो। जी पापा। क्या हुआ? कुछ नहीं। सत्येंद्र, आरती बैठी ना। कुछ लेंगे आप? हम वो वेटर भैया, क्या लेंगे आप? यस सर, कॉफी। कॉफी 2 कॉफी कर दीजिए, साथ में कुछ पेस्ट्री बिस्कुट? नहीं, 2 कॉफी। ओके सर, पूछ लीजिए जो पूछना है, हम तैयार हैं इंटरव्यू के लिए। अरे नहीं, ऐसा इंटरव्यू नहीं है ये, जितना हम आपको देखने आए उतना आप भी तो देखने आई ना हमें, आप ही पूछ लीजिए जो पूछना है। सच कहें तो हमें ये सब बहुत अजीब लगता है, कैसे कोई आधे घंटे में जिंदगी भर का फैसला कर सकता है? आकपट तो हमें भी लगता है। पापा कह रहे थे आप गवर्नमेंट जॉब में है? हम एक्साइज डिपार्टमेंट में क्लर्क है, अगले महीने से ज्वाइन करना है, अभी नौकरी लगी है। एक्साइज डिपार्टमेंट, घूस खाने वाले, घूस लेके बड़ा बनना चाहते हैं आप? अरे नहीं नहीं, हम घूस लेने में और देने में विश्वास नहीं रखते। अरे हमारा सिस्टम ऐसा ही, अगर आप नहीं भी लेना चाहेंगे ना तो भी लोग ला करके दे देंगे आपको। अरे नहीं नहीं, हम लेंगे ही नहीं। अरे आप मना ही नहीं कर पाएंगे? आप देख लीजिएगा, हम लेंगे ही नहीं। देख लेंगे हम। सर, मैम, थैंक यू, वेलकम। आपकी क्या अपेक्षा है अपनी होने वाली वाइफ से? सुबह उठे तो हमारे लिए चाय बना दे, फिर नाक निकले तो नाश्ता तैयार कर दे, दफ्तर जाए तो हमारा डब्बा तैयार कर दे, जैसे मम्मी कर रही है पापा के लिए सालों से। दफ्तर से वापस आए तो सजी धजी तैयार मिले हमें, रात को हमारे पैर दबा दे, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है हमारी। हम बस ऐसा जीवन साथी चाहते हैं जो जिंदगी भर हमारे दोस्त बन के रहे। बस हमारे मम्मी पापा का ख्याल रखें, उनकी इज्जत करें, इतना चाहिए। आपकी क्या अपेक्षा है अपने होने वाले पति से? पापा ने कभी हमें काम करने की इजाजत नहीं दी, बचपन से टॉपर रहे हैं। हमारी अपेक्षा ये है कि हमारे हस्बैंड हमें नौकरी करने की परमिशन दे दें बस। इतनी पढ़ाई की आपने, बेस थोड़ी जानी चाहिए। अच्छा ना, अभी नौकरी करेंगे तो डबल इनकम हो जाएगी, फिर हमें घूस नहीं लेनी पड़ेगी। एक अपेक्षा और है हमारी, थोड़ी मुश्किल है मगर। आप बताइए तो सही। हमारी इच्छा है कि हमारे हस्बैंड हमें हर हफ्ते पिक्चर जरूर दिखा दे। पिक्चर का शौक है आपको? बहुत ज्यादा। हाँ तो हर संडे संगम टाकीज में देख लेंगे इवनिंग शो। पक्की बात। पक्की। तो अब आगे क्या? आगे इनमें से चुनिए ये। हम शाम को मम्मी पापा को फोन कर देते हैं, शादी के लिए हाँ कर देते हैं। हम इतना पसंद आ गए आपको? हम क्या, आपको तो कोई भी पसंद कर लेगा। ऐसा ना हो आप किसी और को पसंद कर लें। हम भी मम्मी को कॉल कर देंगे शाम को। एक बात कहें आपको, ये पिंक में ना बड़ी अच्छी लग रही है आप। थैंक यू सत्येंद्र। दूसरी उंगली में क्या था वो जो आप अंदर? अच्छा वो शाम की बजाय अभी कभी बाथरूम में जाके फोन करके बोल देते शादी करनी है।
एक बात कहें अगर आप बुरा ना माने तो। हाँ कहिए ना, हम कभी आपके किसी बात का बुरा नहीं मानेंगे। ऑकवर्ड नहीं होता, ऑकवर्ड होता है। हाँ ऑकवर्ड बोला हमने? अच्छा चलिए, अभी तो हमारी वैसे भी शादी हो रही है, अब तो क्या ऑकवर्ड होगा। ऑकवर्ड ओ ओ ओ क्वर्ड कबर्ड कबर्ड ऑकवर्ड। हम समझ गए ना, सीख जाएंगे धीरे धीरे। अब उपा जी प्रणाम। इधर आ जी। शाबाश, पांच छूना है तो ढंग से छुआ करो, छूने का प्रपंच मत किया करो। चलो फिर से छुओ। हाँ इधर आ जी। आशीर्वाद। अब बता तेरे कंपटीशन की तैयारी कैसी चल रही है? बस अच्छी चल रही है, आपका आशीर्वाद रहे हमारे साथ हमेशा। क्या करेगा आशीर्वाद, प्रणाम बोल। बाप मरे अंधेरे में, बेटा पावर हाउस लगी है बहुत तेज। हाँ। बाप दादा मर गए बर्तन बेचते बेचते, बेटे चले अफसरी करने। बेटा कुछ करना चाह रहा है तो सपोर्ट किया करो यार, एक बार बन गया ना वो मजिस्ट्रेट या कलेक्टर, सात पीढ़ियां सुधर जाएंगे आपकी। अजी पापा जी अगले साल 100% क्लियर करेंगे। अच्छा, अब दुकान में बैठ के अगर बर्तन बेचते रहेंगे तो पढ़ाई कैसे करेंगे? फोकस करना पड़ता है ना थोड़ा। बेटा फोकस तो तुम्हारा हम सेट करेंगे बढ़िया से, तुम घर चलो। बुआ जी हमने आरती को बोला था कि अटेम्प्ट कर ले, लास्ट ईयर उसने एमएमए टॉप किया था, पीसीएस तो पक्का टॉप कर जाएगी। एक अटेम्प्ट हम भी करें आपके काल पे, गधा कहीं के। AIS PCS की नौकरियां लड़कियों के लिए नहीं होती है जी। बहनों को उल्टी सीधी सलाह नहीं देना। अच्छा वो संबंध बड़ा अच्छा है आरती के लिए। तो जीजा जी कब चलना है मिश्रा जी? क्या कल बुलाया है? 3 बजे। 2 बजे यहाँ सर के बल खड़े हो जाना, लेट नहीं होना। अरे जीजा जी आप हमारा इंतजाम कर दीजिए, हम यहाँ से जाएंगे ही नहीं। नहीं सुधरोगे तुम्हारा। महेश से बात हुई थी, कल आएंगे शुक्ला जी के यहाँ से कुछ लोग। अच्छा शांति। हमारी सत्तू से बात हुई है, हम दोनों ने ये डिसाइड किया है कि हम दहेज नहीं लेंगे। दहेज नहीं लेंगे तो शादी कैसे करेंगे? क्या मतलब शादी कैसे करेंगे? मतलब पूनम के लिए ढूंढ पाएंगे ऐसा कोई घर जो दहेज ना लेता हो? नहीं ना, दहेज के बिना शादी कैसे होगी? आपकी नौकरी से तो इतना नहीं बचा पाएंगे कि पूनम के लिए कोई अफसर लड़का ढूंढ पाए, और फिर ये रस्म हमने तो बनाई नहीं है। सत्तू की शादी से जो आएगा उसी में जोर तोड़ के पूनम को दे देंगे। पूनम की शादी को भी 2 साल है। हाँ तो अब 2 साल में दहेज भी तो दुगना हो जाएगा ना। अच्छा उसे छोड़िए, आप दूध पी लीजिए, ठंडा हो गया होगा। हमने महेश से बात कर लिया, महेश आ जाएंगे 2:30 बजे तक। आप तो बात करेंगे नहीं, कोई तो चाहिए समझदारी की बात करने वाला। चलिए दूध पी के सो जाइए। अरे जिज्जी और आपने 12 तक तो सोच के रखा था, हम तो ये कह रहे थे कि लड़का और घर बहुत अच्छा है, अगर खींच काट के 15 भी हो तो रिश्ता आज से जाना नहीं चाहिए। नहीं भाई हमारे पास 12 की गुंजाइश है और 12 में ही करेंगे, तुम कुछ बोला नहीं वहां पे। 25 लाख है क्या? 25 लाख आज के जमाने में इससे कम में नहीं हो पाएगी हमारे भांजी की शादी। चले जीजा जी चले। रुको जरा बात कर लें, चलें। चलने के लिए आए मिश्रा जी, हमारा एक छोटा सा प्लॉट है कानपुर में, 3-4 लाख का वो बिक जाएगा। कुछ हमने सेविंग कर रखी है आरती के नाम की, बाकी बैंक से पर्सनल लोन उठा लेंगे। शादी हमें आपके यहाँ ही करनी है। अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, ये तो आपकी जो इच्छा है वो दे दीजिए, ये तो सदियों से प्रथा चल रही है, वरना हम एक मिनट। हम है ना, हम बात कर रहे हैं ना है? देखिए हमारा भांजा इकलौता लड़का है, इस तिमंजले मकान का इकलौता वारिस है, और अब उसकी सरकारी नौकरी भी लग गई है एक्साइज में। और ये हमारे जीजा जी, ये 30 साल से यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। अरे क्या तो औकात तो बनती है ना मांगने की। मर्जी का पैसा मिलेगा तब हम शादी करेंगे, वरना। माफ कीजिए महाराज, आपने जितना गिनवाया है उसे 2 बार भी जोड़ लें तो भी 25 लाख नहीं होता। आपकी गणित में कंपार्टमेंट आई थी क्या जोगी जी? हैं?
40 लाख का ऑफर है, 40 लाख का। ओहो जी, 40 लाख। वो तुम्हारे सत्तू को आपकी लड़की पसंद आ गई, वरना हम 40 में से एक रुपया कम ना करें। सही बात है, आपने बोला था तो हम इंतजार कर रहे थे, हम रुक गए, वरना हम तो आज शाम तक तो कोई दूसरी पार्टी फाइनल कर देंगे। जी जी, उनका नंबर कहाँ, मेरा फोन कहाँ? चलिए जीजा जी, अब शाम तक तो दूसरी पार्टी आने वाली है 40 लाख की, अब चलें। अरे रुक जाओ, ज्यादा बोलो मत, चलें। मिश्रा जी, आप तो ज्ञानी हैं, दुनिया देखी है आपने, आप समझ सकते हैं मेरे जैसे आदमी की औकात क्या हो सकती है। बीडीओ की पोस्ट पर जरूर हैं, लेकिन आज तक रिश्वत का एक भी पैसा हमारे लिए हराम है। आप ही बता दीजिए कि आपकी फाइनल इच्छा क्या है। अरे शुक्ला जी, मैं तो इस सब में, शुक्ला जी अपनी औकात देख के ही बात कर रहे हैं, 25 से कम में ये रिश्ता नहीं हो सकता, समझे आप? 18 कैश है, 7 का सामान है, और ये हमारा फाइनल डिसीजन है। हमारे जीजा जी, हमारी जीजी, इनका भी यही मानना है, इससे कम में ये शादी नहीं हो सकती। अब चलें जीजा जी। मिश्रा जी, हमें मंजूर है, हम आपकी इच्छा का सम्मान करेंगे। अरे आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? शांति जी, मुंह मीठा करवाइए। अब तो हम समधी हो गए। बधाई हो, बधाई हो। आपकी सारी होशियारी और रंगबाजी ना हम पे ही चलती है। मिश्रा जी, हम आपकी इच्छा का सम्मान करेंगे। अरे आप कहाँ से लाएंगे 13 लाख एक्स्ट्रा? अच्छा लड़का इससे कम में मिलेगा ही नहीं कहीं भी। रिटायरमेंट से पहले लोन ले लेंगे, धीरे धीरे चुकाते रहेंगे। कम से कम बेटी को अपनी पसंद का घर तो मिल जाएगा। बस यही सोच के मैंने हाँ कर दी। बात बोले, पिंक में ना आप एकदम जूही चावला लगती हैं। आप तो हर रंग में शाहरुख खान लगते हैं। अच्छा, शाहरुख मिश्रा। चले। बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। तेरी बातें चटपट चाट सी है, तेरी आंखें गंगा घाट सी है। मैं घाट किनारे सो जाऊं, फिर सुबह सुबह जागूं तुझ में। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। संडे में संगम टॉकीज में तुझे फिल्म दिखाऊं, नाइट शो। फिल्मों की तरह एक दिन यूं हो, बन जाऊं मैं तेरा हीरो। हर संडे में संगम टॉकीज में तुझे फिल्म दिखाऊं, नाइट शो। फिल्मों की तरह एक दिन यूं हो, बन जाऊं मैं तेरा हीरो। तेरा दिल बहलाऊं डांस करूं, मैं यूं ही तुझे रोमांस करूं। तेरे दिल में रहूं खुशियों की तरह, तू है
से तो मैं झलकूं तुझ में, तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में, तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। एक बात कहें, हमें जीवन में ना इतनी खुशी कभी नहीं हुई जितनी तुमसे शादी करके हो रही है। हमें भी तुम्हारे कप से काफी पी सकते हैं हम? अच्छा हनीमून पे कहाँ चलेंगे? हाँ हनीमून पे हम ना किसी ठंडी ठंडी सी जगह पे जाना चाहते हैं, जैसे मसूरी। हमें मसूरी जाना चाहिए, मसूरी चलेंगे। चलो मसूरी। हमारी ना एक सीक्रेट इच्छा है। क्या? हम एक बार हाँ? अपने पति के साथ पीकर धो तो ना चाहते हैं। कभी पिए नहीं है लेकिन पिक्चरों में देखा और देख के लगता है कि बहुत मजा आता होगा। देखा है कि हीरोइन को कैसे हीरो खूब पिलाते हैं और फिर दोनों खूब मजे करते हैं, हमें भी बिल्कुल वैसे के वैसे करना है। और फिर अगर जब पति आपका सबसे अच्छा दोस्त हो तो फिर उस पे तो भरोसा कर ही सकते हैं ना। और क्या? सीक्रेट। एक उंगली चुनिए, ये बिस्की पियेंगे। हाँ बिस्की पियेंगे। बिस्की क्या होता है? बिस्की होता है। हाँ वो ही पियेंगे। हमें तो अभी से नशा सा हो रहा है। दूसरी उंगली पे क्या था? ब्रांडी। ब्रांडी नहीं होता, ब्रांडी होता है। तुम्हारे साथ रह के ना फार्नर बन जाएंगे हम। तुम एक काम करो, तुम ना जल्दी से घर आ जाओ, सबकी अंग्रेजी ठीक करा दो, हम तो थक गए हैं सिखा सिखा के। क्या सच में ब्रांडी बोला हमने? हाँ सत्येंद्र। अच्छा तुम ना हमें सत्तू कह के बुलाया करो, जो लोग हमें प्यार करते हैं ना सब सत्तू बुलाते हैं। लो भाई, हमारी फेवरेट भाई जी। मामा जी। मामा जी कहाँ हैं? अरे पापा वो तो ऑफिस के काम में इतना बिजी हैं, वो शादी के दिन ही आएंगे। अब हम आ गए हैं, कोई भी काम हो कितने भी बजे हो हमसे कहिएगा, हम कतई नहीं करेंगे। ये आपको भी मार्केट में कहीं दिखेगा नहीं। इसमें बनियान ऑलरेडी बनी? जी जी ऑलरेडी बनी हुई है इसमें। बहुत प्यारा है, इसकी फिटिंग बहुत बेहतरीन है। सर ये डबल पहनेंगे ना ये? इसके अलावा भी और रंग है, वो ले लो, ये देखो। नहीं दीदी इसका बहुत चले ना, तो चड्डी ब्रा भी पिंक कलर की ले, नीलम। नहीं नहीं वो किसी भी रंग का ले लो, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। दीदी कुछ भी बोलती हो तुम। और कितनी देर भाई गुदगुदी होती है। आरती आपके जूते का साइज बदल देगी घिस घिस। शादी है हमारी, पेडिक्योर तो करवाना ही पड़ेगा। क्या बात हो रही है? देखे देखे अब सारा बेड हमारा। भैया हमें मार रहे हैं। मम्मी मम्मी ये ले लेते हैं। आंटी कसम से बता रहा हूँ आप पहन के देखो, एकदम मधुबाला लगूंगी कसम से। अगर पापा ने देख लिया ना बैंड बजा देंगे। आप भी पी लीजिए। अरे हम कहाँ सिगरेट पीते हैं दीदी। रंजन स्वाद बढ़िया है। कौन सी? ये लाल वाली फाइनल करते हैं मम्मी। ये आरती को भी पसंद है। बेटा लाल तो लड़कियों का रंग होता है, हमारा बेटा थोड़ी ना लाल पहन लेगा ऐसे। हाँ बढ़िया है, तुम्हारा पति क्लर्क, हमारा पति जूनियर इंजीनियर,
हमारा चाटने में उस्ताद तुम्हारा चटवाएगा। दीदी अरे यार तल पे। जीजा जी को पता है तुम इतनी सिगरेट पीती हो? भाई हम उनसे कुछ नहीं छुपाते हैं, आरती वो भी हमसे नहीं छुपाते हैं। वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, और तुम भी मत छुपाना। अरे नहीं छुपाएंगे, हमने तो सत्य से ऑलरेडी बोल दिया कि हम हनीमून पे उनके साथ पीकर टल्ली होना चाहते हैं। ये हमसे और दो कदम आगे निकली तो क्या बोले सत्तू बाबू? अरे वो तो हमसे भी ज्यादा एक्साइटेड है दीदी, उन्होंने भी जिंदगी में कभी नहीं पिए। दीदी सो क्यूट। भाई आरती हमने शादी में दो ही चीजें सीखी हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं। क्या दीदी? बहुत सारा सेक्स और बहुत सारा पैसा। दीदी कुछ भी बोलती हो। अरे सही बोल रहे हैं। दी क्या टाइमिंग है लड़के की, कमाल का है भाई ये लड़का। यार ऐसा लग रहा है इसको तुमसे बात किए बिना टट्टी भी नहीं आती है। दीदी लगा लगाओ स्पीकर, लगाओ देखें क्या स्पीकर बात करता पे है। तुम्हारे सामने पागल है क्या? अरे हमें पता है क्या बात करेगा, तुम स्पीकर पे लगाओ यार। तुम कुछ बोलोगी नहीं? अरे हम नहीं बोलेंगे यार। हाय हैप्पी बर्थडे। आपको याद था? अरे आपकी सब बातें याद है हमें। अच्छा जी, अच्छा सुनो ना बीवी, मिलना है तुमसे। वो मेन बस अड्डे पे जो मंदिर है ना, वहां मिलो ना कल, वहीं पीछे एक कमरा है। हाँ? वहां मिल लेते हैं आराम से। हम तुमको कंट्रोल छोड़ देंगे। हम कमरे में क्यों मिलेंगे? अरे नहीं नहीं, तुम कमरे का गलत मतलब मत निकालो। हाँ? अपना जो होना है वो शादी के बाद घर पे ही हो जाएगा। इतने दिनों से देखा नहीं ना तुम्हें, तुम्हें जी भर के देखना चाहते हैं। तुम्हारे बिना सांस लेना मुश्किल हो रहा है। हम नहीं आएंगे। ठीक है कल शाम 4 बजे टाटा। अरे सतू हेलो हेलो। भाई आई लव हिम यार, ये लड़का यार कितना रोमांटिक है। किसको किसको किसको? हाय कितना दिल वाले दुल्हनिया है यार। बहुत सही है यार, तुम्हारी दो में से एक चीज तो सेट है लाइफ में। तुम्हारी सेक्स लाइफ तो बहुत सही रहेगी। हाँ। ये तुम्हारे ऊपर कूदा रहेगा दीदी। और हम तो इमेजिन भी कर रहे हैं। लेकिन आरती एक चीज में गड़बड़ है। क्या यार? पैसे के मामले में लड़का हमें कंजूस लग रहा है। क्यों? तुम खुद सोचो, कोई अपनी होने वाली बीवी को मंदिर में बुलाता है। इतने 5-स्टार होटल हैं, वहाँ कमरे हैं, वो बुक कर लो, वहाँ आंखें सेक लो। मंदिर में क्या तुमसे घंटा बजवाएगा? नहीं, वो सब हमें नहीं पता। हम तो 4 बजने से पहले ही पहुँच जाएंगे। बेचारे वो हमारे बिना सांस नहीं ले पा रहे ना, ऑक्सीजन बनकर जाएंगे और शादी तक का इंतजाम कराएंगे हम। लेकिन तुम एक चीज कान खोल के सुन लो, हाथ वात मत लगाने देना। ये लड़के बड़े आरामी होते हैं, पहले हरकत खुद करेगा फिर तुम्हारे चरित्र पे शक करेगा, बता रहे हैं। जी माता जी। Happy birthday to you, happy birthday dear Aarti, happy birthday to you. Thank you Sattu, आपने इतना सब किया हमारे लिए। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे लिए कुछ लिखा है हमने, हम पढ़े। कविता? हाँ पढ़े। जूही माधुरी दिव्या भारती, इन सबसे भी सुंदर हो तुम हमारी आरती। हंस रही हो तुम? नहीं नहीं हंस नहीं रहे, हंस ना, बहुत प्यारी है, सुनाइए। मंजिल हो तुम, सपना हो तुम, ऊपर वाले की सबसे सुंदर कल्पना हो तुम, अब बस इतना है ये इरादा, तुम्हें चाहेंगे खुद से ज्यादा। सत्तू कैसी है? बहुत 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 प्यारी है। थैंक यू। ये गुलाबी रंग बहुत, पिंक रंग बहुत खिलता है तुम पे। आपको क्या लगता है हम क्यों पहन के आए हैं पिंक कलर? ओ अच्छा, ओ हमारे से। और नहीं तो क्या? ये फूल लगे हुए, हमें ना, हमें प्यार हो गया तुमसे। आई लव यू बोल दे। आपकी मर्जी। चलिए बोल देते हैं, आई लव यू। तुम्हारी बारी। अरे आई ऑल्सो लव यू, बोली ना। बोली ना, छोटा सा तो बोल दीजिए। हम नहीं बोलेंगे, अब जो बोलेंगे शादी के बाद ही बोलेंगे। चलिए ठीक है। अच्छा एक
बात एक बात पूछे तुम्हें, तुम पूछिए ना, नहीं मतलब तुम्हें बुरा ना लगे तो एक किस कर सकते हैं? हाँ? किस कर सकते हैं तुम्हें? मंदिर में किस करेंगे? भगवान तो सब जगह है। अच्छा जी, किसी फाइव स्टार में बुलाया होता तो शायद कर भी लेते। अरे एक सेकंड, तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। हैप्पी बर्थडे। घूस दे रहे हैं? हाँ, किस करने के लिए घूस दे रहे हैं आप हमें? हम बहुत प्यार करते हैं तुमसे, तो फिर कर लीजिए। अरे नहीं, कोई बात नहीं, छोड़िए। क्यों, अब मन नहीं है? नहीं, मन तो तो फिर करिए ना, कर ले। हम ये नीचे रख दें? हम पकड़ लेते हैं, एक एक ही करेंगे बस। हटिए, किस खुद करेंगे और शक करेंगे हमारे कैरेक्टर पे। अरे नहीं, हम शक नहीं करेंगे, हम शक करेंगे। नहीं, मम्मी कसम नहीं करेंगे, अब जो होगा शादी के बाद। शक नहीं करेंगे हम, एक दिन की बात है सत्तू, बाय। अरे हम शक नहीं करेंगे सत्तू, बस थोड़ा सा इंतजार, कल मिलेंगे अपनी शादी में। आसमां सितारों से छलकने लगा, चांद सा तू जो मुझ में चमकने लगा। आसमां सितारों से छलकने लगा, चांद सा तू जो मुझ में चमकने लगा। रहूं तेरे यूं पास में, बनू तेरा एहसास में, यार जी लूं तेरी हर सांस में। शाम सा तू ढलता, तू सुबह सा निकलता, तेरे साए में चलता, मैं हूँ साथ तेरे। है यही इरादा, तुझे चाहूँ खुद से ज्यादा, दिल से है ये वादा, मैं हूँ साथ तेरे। तेरे ही लिए रात भी दिन भी मैं गुजारूं, सोए तू तुझे रात भर मैं देखा करूं। कुछ इस तरह से हो गया है शामिल, तेरे बिन चलूं भीड़ में तो तन्हा लगूं। आई ना हो कोई नजर, आए मुझको तू ही, मैं भी तेरा चेहरा हो गया। है यही इरादा, तुझे चाहूं खुद से ज्यादा, दिल से है ये वादा, मैं हूँ साथ तेरे। सीने में तेरे प्यार की उड़ती है पतंगे, उड़ के यूं हवा में तेरा मैं आंचल हुआ। ओ भीगा हूँ तेरे साथ में बारिशों में तेरी, बिखरी जो तेरी जुल्फ तो मैं बादल हुआ। तेरी काली आंखें मेरे ख्वाब का है दरिया, मैं उतर के इनमें खो गया। है यही इरादा, तुझे चाहूं खुद से ज्यादा, दिल से है ये वादा, मैं हूँ साथ तेरे। दूल्हे राजा उठिए उठिए।
दो मिनट बाद नहीं उठा सकते थे? कल से जब भाभी उठाएंगे ना तब देखेंगे आप कितने तेवर दिखाते हैं। भैया से उठिए, मम्मी बुला रही है, उठिए। आ रहे हैं। हमारी मेहंदी देखिए आपके नाम की, आपका नाम हमारी लाइफ में लिख गया है। अब चलिए इस जन्म में तो हम आपके हो ही गए। सिर्फ इस जन्म में क्यों, हम तो हर जन्म में आपके हैं। एक उंगली चुनो, राइट वाली, इस पे है आई लव यू, और दूसरी पे क्या है? आई लव यू वेरी 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 मच। आपके हस्बैंड नहीं आए बेटा? आंटी आपको तो पता ही है जूनियर इंजीनियर्स कितना बिजी होते हैं, लेकिन शादी के दिन आएंगे। जी बेटा नाश्ता ले आओ ना। हाँ मम्मी। और रंजन बाबू आप क्या कर रहे हैं? आंटी जी हम तो लगे हैं पीसीएस की तैयारी में। ओ, अच्छा अच्छा। दो बार अटेम्प्ट कर चुके हैं और अब की बार तीसरी बार। फिक्र मत करो हो जाएगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन हो जाता है। बस आपका आशीर्वाद चाहिए हमें। हाँ खाओ। अरे थैंक यू। हमारे नंद के बेटे हैं इंदौर में आरटीओ। थैंक यू। हम गए थे पिछले साल उनके यहाँ। भाई बड़ा रुतबा है सरकारी नौकरी में, ठाट बाट तो बहुत जी है। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो हमारे सत्तू भी पा गए सरकारी नौकरी। अच्छा है ना आंटी, सत्तू की भी सरकारी नौकरी हो गई। आरती भी शादी के बाद नौकरी करना चाहती है। बहुत लकी है आंटी कि आप लोगों ने अलाउ कर दिया, मेरे अपने ससुराल वालों ने मना कर दिया था। अलाउ कर रहे हैं? किसने कहा अलाउ कर रहे हैं? आंटी सत्तू की बात हुई थी आरती से। बेटा सत्तू तो बच्चा है, अभी जोश जोश में कुछ भी बोल देता है। उनका तो अंडरवियर तक आज तक हम खरीद रहे हैं। देखो आभा बेटा जी, मिश्रा खानदान की बहुएं ना काम नहीं करती। परंपरा है हमारी, समाज क्या कहेगा, बहुओं के पैसे पे पल रहे हैं। हमारे खानदान में बहुओं ने ना कभी काम किया है और ना कभी करेंगी, कम से कम जब तक हम जिंदा हैं तब तक तो नहीं। और रही सरकारी नौकरी की बात, तो भैया हम सरकार हैं इस घर की, आरती आए अपना घर संभाले, इसी को समझ ले सरकारी नौकरी। हाँ अरे लाओ लाओ लाओ, ये बेटा बहू के लिए। अरे खाइए ना बेटा, आप कुछ खा तो रहे नहीं है। यार बहुत क्यूट लग रहा है। सतू भाभी का फोन, आरती भाभी। हेलो। हम बहुत नर्वस हो रहे हैं, पेट में कुछ अजीब सा हो रहा है हमें। अरे क्या हुआ, हम है ना टेंशन क्यों ले रही हो? आराम से। तो सुनो ना, एक 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 फोटो भेजो ना हमें दुल्हन बने हुए। कुछ तो सस्पेंस भी होना चाहिए ना सत्तू। अरे भेजो ना, देखना तुम्हें। जरूर देखिएगा, हम वैसे बहुत हॉट लग रहे हैं आज। अरे अब काय का सस्पेंस, अब तो शादी हो गई ऑलमोस्ट। अरे बस करो भैया बस करो, लेने लेने आ रहे हैं तुम्हें, काट लेंगे। बाय। मारे कंटाप, तुम्हें दिमाग में भूसा भरा है क्या, गधी हो एक नंबर की। हम बस फोन पर बात कर रहे थे। पीसीएस का मेंस दिया ये हमें तो बता सकती थी। उसमें बताने वाली क्या बात है दीदी? कोई बताने वाली बात ही नहीं है, पगला गई हो क्या यार? अरे आप लोग का हो गया दी, मैं बोलूँ अब? आरती तेरा पीसीएस मेन एग्जाम क्लियर हो गया पगली, तू ऑफिसर बन सकती है। हाँ। और अभी तुम्हारा रिजल्ट आया, ऑनलाइन मैंने देखा है। हम ऑफिसर थी, हम ऑफिसर बनेंगे, हम पास हो गए। लो दी, लोग 10-10 साल ट्राई करते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता, और हम और अंजन 2 साल से ट्राई कर रहे हैं, हर बार फेल हो जाते हैं, और इस पगली ने तो पहली बार में चौका मार दिया। चौका नहीं छक्का मारा हमने। छक्का नहीं मैडम, आपने तो पूरी सेंचुरी मार दी है। आरती सोच, तेरा खुद का बंगला होगा, नीली बत्ती वाली गाड़ी होगी,
तेरे आगे पीछे खूब सारे नौकर तेरी जी हजूरी करेंगे। यूपी स्टेट की सबसे बड़ी नौकरी सचिवालय में तेरा ऑफिस, और इतनी इज्जत की आप हजम भी नहीं कर पाएंगी। और अब तो आपकी खूब जी हजूरी होगी ऑफिसर शुक्ला। ऑफिसर शुक्ला नहीं गधी, ऑफिसर आरती सत्येंद्र मिश्रा बनेंगे हम। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा दी, हम ऑफिसर बनने वाले हैं। ये सब तो हमारे लिए कितने लकी हैं दीदी। शादी जिंदगी का सबसे खुशी वाला दिन होता है और हमारे लिए तो डबल सेलिब्रेशन है दीदी। ये वाली है बारात, जल्दी करो जी, वहाँ गेट के पास रखना। जी जी पापा, एक मिनट पापा। क्या पापा है? यहाँ ये बारात, हमको बहुत जरूरी बात करनी। पापा आप गुस्सा मत करना, आप सुन लेना। दामाद जी नहीं पहुँच पाए, मुझे मालूम था। कहाँ पहुँचे अभी बताओ जल्दी। पापा सुनिए, बारात आने वाली है, कोट तो पहन लीजिए जल्दी। सुनो तुम भी तैयार हो जाओ। सुन लेना पापा प्लीज, गुस्सा मत करना, बोलो ना जल्दी। टाइम कहाँ है? वो आरती ने पीसीएस का प्री दिया था पापा, वो क्लियर कर लिया, तो फिर मेंस दिया, वो भी क्लियर कर लिया। उसने हम लोग को बताया नहीं था पापा। पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया? हाँ पापा, ऑनलाइन रिजल्ट आया है। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है, बहुत बढ़िया खबर है। आरती तैयार है ना, बारात आने वाली है। पापा पापा आप सुन नहीं रहे, उसने पीसीएस का मेंस क्लियर किया पापा, शी कैन बी एन ऑफिसर। आज से वो मिश्रा खानदान की बहू है। वो क्या बनेगी क्या नहीं बनेगी, वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ये मिश्रा जी तय करेंगे। ठीक है, स्वागत की थाली तैयार की है या नहीं? मम्मी इनको समझाओ ना, हम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बारात आने को है, आरती की सास उसे नौकरी नहीं करने देंगी। यहाँ शादी करके हम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं मम्मी। तुम्हारे पापा को कहने से भी कुछ नहीं होगा मम्मी, आप तो समझो। मंजू इससे कोई चुपचाप अंदर चली जाए, आज शादी का दिन है, हमसे कोई अनहोनी ना हो जाए। पापा हमको पता है आप गुस्सा है, लेकिन आप एक बार ठंडे दिमाग। बकवास बंद, वरना हाथ तोड़ जाएगा। क्या कर रहे हैं आप? मेहमान है वो। मेहमान है वो, एक एक शब्द नहीं बोला। हाँ बोलेंगे पापा, काहे नहीं बोलेंगे हम। चुप ना, आप क्या चाहते हैं? आरती हमारे और अम्मा की तरह चौका चूल्हा करती रहे, बच्चे पालती रहे, एक बार भी ट्राई नहीं करे ऑफिसर बनने का। पहली बार में मेंस क्लियर कर लिया उसने, कितनी टैलेंटेड लड़की है वो, उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं आप। काहे नहीं बोलेंगे हम? आपके और उसकी सास जैसे लोगों की वजह से ये हो रहा है कि चार दीवारी में बैठी रहे लड़की। क्या चाहती हो? तुम्हारी ये बकवास सुन के हम ये शादी रोक दें? मिश्रा जी से कह दें कि हमारी बेटी अफसर बन सकती है, हमें ये शादी नहीं करनी, ये कह दें? हाँ पापा, रोक दो शादी। शादी तो बाद में भी हो जाएगी, अफसर बाद में नहीं बन पाएगी। उसकी सास ने कहा वो नौकरी नहीं करने देंगी, वो हमेशा नौकरी करना चाहती थी पापा। एक बार ये शादी रोक दो। मंजू ये लड़की पगला गई है, इसे हमारी आंखों के सामने से हटा दो, वरना फोड़ फाड़ डालेंगे, कुछ अनर्थ हो जाएगा हमारे हाथों से। अनर्थ तो आप कर रहे हैं पापा, आरती की जिंदगी के साथ अनर्थ कर रहे हैं आप। हम आरती की जिंदगी के साथ अनर्थ कर रहे हैं? नहीं, उसका वो मतलब नहीं है। ध्यान से सुनना मेरी बात, तुम्हारा घर बस गया है, बहन का घर बसने दो, यहाँ की चौधराई बनने की कोशिश मत करो। एक बार समझाओ, एक बार बस सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। चलो तुम्हारे बिना आरती की शादी कर लेंगे हम। चलो पापा एक बार निकलो यहाँ से, निकलो। आप बिना बेटा रुक। क्या हो गया दीदी? तुम्हें हमने बस अभी सत्तू को मैसेज किया, सब ठीक है ना? क्या हुआ? अब हम जो कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनना।
आज हम सुबह तुम्हारी ससुराल गए थे, जब हमने तुम्हारी सास से कहा आरती नौकरी करना चाहती है शादी के बाद, उन्होंने साफ मना कर दिया कि मिश्रा खानदान की बहुएं नौकरी नहीं करती। वो ऐसा कैसे कह सकती हैं दीदी, सत्तू ने हमसे खुद कहा। हाँ, हमने कहा कि तुम्हारी और सत्तू की बात हुई है। पता उन्होंने क्या कहा? कि सत्तू तो बच्चा, उसके अंडरवियर वो खरीदती है। इस बात का मतलब समझती हो? ये उन्होंने हमें नहीं कहा, ये बात उन्होंने तुमको कहलवाई है। ये तुम गांठ बांध लो कि तुम उस घर में रह के नौकरी नहीं कर पाओगी, पीसीएस ईसीएस भूल जाओ। सत्तू ने हमसे क्यों कहा? अरे यार, सत्तू के कहने से क्या होता है आरती, वो अपनी अम्मा के सामने दो शब्द नहीं बोल पाएगा। अब तुम ये डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है। दीदी दीदी, हम हाउसवाइफ नहीं बन सकते। हम सत्तू से शादी जरूर करना चाहते हैं, लेकिन हमने उनको पहली मीटिंग में ही कह दिया था कि हमें नौकरी करनी है, और वो मान गए थे। हम हाउसवाइफ नहीं बन सकते। हम सत्तू से एक बार बात कर। अरे यार, तुम क्या तोते की तरह सत्तू रख रही हो? वाले पति है वो, एक क्लर्क है। जब अफसर बन जाओगी ना सत्तू जैसे, 25 क्लर्क काम करेंगे तुम्हारे नीचे। हम ये नहीं कह रहे हो बुरा लड़का है, वो बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन वो चाह के भी ये बात नहीं समझ पाएगा आरती। हम क्या कर सकते हैं? अरे क्या कर सकते का क्या मतलब है? हमें देखो, सास ससुर पति बच्चे, तीन टाइम का खाना, जिसकी किसी को कोई कदर नहीं होती है, और वहीं दूसरी तरफ मान सम्मान, इंडिपेंडेंस और अपनी खुद की कमाई जिंदगी। आरती सोचो, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हें बुला रहा है। आरती सोचो, ये नतीजा तुम्हारा एग्जाम का आज ही क्यों आया? कल आ सकता था ना, जब तुम्हारी शादी हो जाती है। तुम कुछ नहीं कर पाती, आज कर सकती हो। भाग जाओ, भाग जाओ। हम जीजा जी को फोन कर देंगे, वो सब संभाल लेंगे। तुम उनके साथ बनारस घर चली जाना। तुम्हारे साथ है आरती, तुम यहाँ से भाग जाओ, कोई नहीं सुनेगा यहाँ। भाग जाओ मुन्ना, तुम बस एक बार ऑफिसर बन जाओ, पापा सत्तू सब मान जाएंगे। आरती बहुत डर। क्या चाहती हो बेटा? पापा, सत्तू। वो हम संभाल लेंगे। ऑफिसर बनना चाहती हो? तो फिर भाग जाओ, और कोई रास्ता नहीं है बेटा। ये समाज ऐसे ही है, लड़कों को सर माथे पर उठाकर रखता है, लेकिन लड़कियों की कोई इज्जत नहीं करता, और ना ही उनको उनकी मर्जी की जिंदगी देना चाहता है। इसलिए जब भी किसी बेटी को मौका मिले सर अपना ऊंचा रखकर अपनी मर्जी की जिंदगी जीने का, उसे सारे आग के दरिया पार करके निकल जाना चाहिए। तो भाग जा बेटा, भाग जा, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो निकलो, 12 दरवाजे पे खड़ी, हमें भी नीचे जाना है, किसी को पता ना चल जाए, कोई आना जाए, चलो निकलो। हो पाएगा दीदी, पापा मार डालेंगे हमें, हम नहीं कर पाएंगे। आरती, मामा जी सबको संभाल लेंगे, उन्होंने कहा है ना। तुम बस एक बात याद रखना कि मामा जी कहेंगे कि तुम दहेज की बात सुनकर भाग गई। चलो दीदी, इसमें सत्तू की क्या गलती है? बहुत प्यार करते हैं वो हमसे। प्यार दोबारा मिल जाएगा आरती, पीसीएस बनने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। चलो एक बार बात कर लेते हैं। नहीं 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 आरती, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, और तब तक बात मत करना जब तक हम ना कहें। अगर उन लोगों को तुम्हारे भागने की वजह पता चल गई, सारा इल्जाम तुम्हारे मत्थे मर देंगे। चलो आओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। आभा, वो बारात आ गई। थाली कहाँ है लड्डू की, बताओ। माँ, माँ।
जी अजी पीछे दरवाजे पे वेट कर रहे हैं, जाओ तुम। चलो चलो, गुड लक गुड लक, जाओ जाओ। समझी आपको भी। अरे क्या कर रहे हो? कहाँ है? अरे आरती कहाँ है? कुछ पूछ रहे हैं हम तुमसे। उसको ये शादी नहीं करनी थी पापा। उसको नहीं करनी थी या तुम्हें करने नहीं देनी थी? कर क्या रहे आप? ब्याही बेटे पे हाथ उठा रहे। मत जाओ यहाँ से, हट जाओ। हाथ ना उठाए तो क्या करें? आग भी उतारे इसकी। मारिए मत, ब्याही ढाई बेटी है, क्यों हाथ उठा रहे उस पे? बारात आ गई है। और पढ़ाओ लड़कियों को, और पढ़ाओ, इलाहाबाद भेजो पढ़ने के लिए। तुमसे एक जवान लड़की नहीं संभाली जाती। क्यों बुलाया इसको? इज्जत घोट के पी गई हमारी। फूफा जी, आप दीदी पे क्यों गुस्सा कर रहे हो? फूफा जी, हम तो आज तक पास नहीं हो पाए, आरती तो फिर भी पास हो गई है। मेरा पास चले तो इन दोनों का गला घोट दूं और खुद भी आग लगा लूं। ऐसा बस काले पत गए हमारे मुंह पर, इज्जत तार तार कर गए हमारे। हम आपकी तकलीफ समझ रहे हैं जीजा जी, ये संकट की घड़ी है और हम सबको इससे निकलना है किसी भी तरह। देखिए आप दुनिया की मत सोचिए इस समय, आप तो बस ये सोचिए कि जो 18 लाख कैश हमने दिया है उसका क्या होगा। तुम ही बताओ क्या कहें। सॉरी मिश्रा जी, गलती हो गई, माफ कीजिए। हमारे बेटे भाग गए, लिफाफे में डाल के आप हमारे पैसे हमें वापस कर दीजिए, ये कहेंगे। वही तो महाराज, आप समझ नहीं रहे हैं। महेश्वर सुनेगा ना कि हमारी बेटी आरती घर से भाग गई है तो एक रुपया नहीं देगा। आपकी जिंदगी भर की कमाई दबा लेंगे वो लोग। तो ये पैसा निकलेगा कैसे? निकलेगा नहीं जीजी, निकालना पड़ेगा। जीजा जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, अब इसके आगे हमको संभालने दीजिए। उनके सामने थोड़ा चुप रहिएगा आप। अरे चाय वाय तो पीते रहेंगे, पहले बताइए बात क्या है, हम लोगों को यहां क्यों बुलाया? मिश्रा जी,
बात दरअसल यह है कि एक बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है हम पर भी और आप पर भी। विपदा? जी जोगी जी, बात क्या है? क्या है कि आरती। क्या हुआ बेटा? अभी जब हम उसके कमरे में गए तो वो वहां थी ही नहीं। थी नहीं मतलब? बस ये एक चिट्ठी थी। देखिए जरा। देखिए आप, जैसे ही हमारी बिटिया को पता चला कि आप लोगों ने 25 लाख मांगे हैं दहेज के लिए, तो उसने फैसला किया कि वो आपके परिवार के साथ रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती और वो ये शादी छोड़ के चली गई। कहाँ चली गई? बेटा हमें क्या पता कहाँ चली गई। अब हमारी बात करें। भाई हमारी बात नहीं हो रही, हम तुम्हारी बात कहाँ से कर रहे हैं जी? ऐसे कैसे? देखिए जो कुछ भी तय हुआ था दोनों परिवारों की सहमति से हुआ था। तो जोगी जी ये दहेज वाली बात नहीं है, मैं जानता हूँ। I'm sorry सत्तू, हमने आपको एक बात नहीं बताई थी। हमने PCS का एग्जाम दिया था, आज उसका रिजल्ट आया और हम पास हो गए। हम ऑफिसर बनने जा रहे हैं। अलाहाबाद भेजा था पढ़ने के लिए, वहाँ हो गई होगी किसी से लिपटा लिपटी, चिपटा चिपटी। खानदान की इज्जत उड़ा के लोंडिया निकल लिया आपकी समझ में आया आपको? आप लोग एक काम कर लो, कालिक मंगा लो बहुत सारी और पोत लो अपने चेहरों पे, समझे? अपनी जुबान पे लगाम लगाओ। मैं क्या कर लोगे? क्या कर लेंगे? हम तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहते मुश्रा जी। देखिए आप तो पढ़े लिखे, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारी बिटिया अब आपके परिवार से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती, इसलिए हमारा 18 लाख कैश हमें शांति से वापस कर दीजिए और सम्मान सहित अपनी बारात के साथ वापस लौट जाइए। ये शादी कैंसिल। अरे ट्रेन का टिकट लगा शादी कैंसिल है? लौंडिया भागी तुम्हारी, पैसे तुम हमसे मांग रहे हो? शर्म करो, मजाक समझ रखे क्या? एक फूटी कौड़ी नहीं देनी तुमको। एक रुपया वापस नहीं करेंगे, आप चलिए मेरे साथ, निकलते हैं यहाँ से। चलिए चलिए यहाँ से, चलिए। हलवा है क्या? हमारे पैसे दिए बिना यहाँ से निकलने की कल्पना भी मत करना। कल्पना? समझे? क्या कर रहे हो तू? चंदू केशव बंद कर रहा है। ए रंजन निकाल ले जी, दरा सो ले खोपड़ी पे। अरे क्या हाल जी की धमकी दे रहा है? निकल यार, अरे निकाल तू। 18 लाख रुपया, एक एक पाई जब तक अपने हाथ से गिन नहीं लेंगे तब तक तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। ए मार गोली इसको, 25 गोली मारना साले को। मारेंगे बाबा। 25 लाख करा था, 25 लाख जूते पड़े हैं। मौका दूती है तो मार के दिखा। चल दिए अंकल जी, चुपचाप बैठी है। और तू जब तक तू अपने हाथों से गिन के नहीं देगा उसको यहाँ से बाहर कदम नहीं निकालने देंगे, समझा? क्या मतलब, कहाँ गई? छोड़ दीजिए आप, हम आपका पैसा लेके आ रहे हैं। हमारे मामा और पापा को कुछ नहीं होना चाहिए, हम लेके आते हैं। आते बेटा, आरती को दिखा ना। आरती कहाँ है? अब कब से फोन मिला रहे, फोन नहीं उठा रही हमारा। कहाँ है? तुम बारात को लेके घर जाओ वापस। हैं? सत्तू क्या हुआ? हम बताते हैं तुम्हें, तुम बाहर ले जाओ। सत्तू ले सत। I'm sorry सत्तू, हमने आपको एक बात नहीं बताई थी। हमने PCS का एग्जाम दिया था, आज उसका रिजल्ट आया और हम पास हो गए हैं। हम ऑफिसर बनने जा रहे हैं।
सत्तू क्या हो गया? पापा मामा कुछ नहीं, कुछ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तुम चुड़ैल लाओ, कोई बात नहीं। हाँ वो पैसे कहाँ रखे हैं, किसी लेके जाने? पैसे वो 8 तो खर्च हो गए, 10 बचे हैं। तुम 10 ले जाओ, उन्हें छुड़ा के ले आओ जल्दी से। 10 में नहीं मानेंगे मम्मी, पूरे चाहिए उन्हें। बाद में दे देंगे ना हम उन्हें। वो नहीं मानेंगे मम्मी। इतनी रात को कहाँ से लाएंगे बेटा? इसे पूनम की शादी के लिए रखा था हमने। इसे अपनी शादी में पहना था हमने। बहुत बददुआ लगेगी उस लड़की को हमारी, हमारी जिंदगी ने रख करके चली गई। हेलो दीदी। हाँ वो लोग अभी अभी बस गए हैं, सारे पैसे लौटा दिए पापा को उन्होंने। पापा ठीक है? ठीक तो नहीं है, मामा जी बैठे हैं उनके साथ, अभी एक दो दिन यहीं रहेंगे जब तक सब कुछ संभल नहीं जाता। अच्छा सत्तू का कॉल आया क्या? आया था दीदी, बहुत बार ही आया, जैसा कि आपने कहा था हमने उठाया नहीं। दीदी एक बार कॉल कर ले प्लीज। हाँ कर लो एक बार बात। बहुत दुखी है बेचारा आरती। बस एक ही मिस्टेक हो गई इस सब में, उसका दिल टूट गया, देखा था हमने उसे। रुको रुको गाड़ी रुको। कहाँ जा रहे हैं सत्तू? देखो जीजा जी, पापा पापा मरेंगे नहीं बेटा, मरेंगे नहीं, इतने कायर नहीं है, बस थोड़ा दम घुट रहा था हमारा। बटन खोल दिया, खोलिए आप। रुक एक 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 मिनट, हमारा तो घर जाने का भी मन नहीं कर रहा, हम तो बहू लेकर घर जा रहे थे, अब क्या करेंगे घर जाकर? तुम्हारी माँ के आंसू देखेंगे, सबकी नजरें हम पर होंगी, वो देखो जुगल किशोर मिश्रा, प्रोफेसर जुगल किशोर मिश्रा, जिसके बेटे की शादी। बहुत बेइज्जती हो गई हमारी बेटा, निकाल की बात कर रहे हैं आप? इधर देखिए क्या क्या बोल कर रहे हैं आप? उठाओ प्लीज सत्येंद्र, प्लीज उठाओ। हम छोड़ देंगे, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, आप ऐसे ही चिंता कर रहे हो, आप देख लो। Thank you.
जहाँ तक सपोर्ट की बात है तो हमने बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए एक सिंगल विंडो प्रोग्राम शुरू किया है। उससे अब आपको भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो अब हम आशा करते हैं कि आप आगे बढ़ेंगे और हमारे ज़िले में इन्वेस्ट करेंगे। दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड फॉर अस। आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। नीलम, कितनी बार बोले हैं नॉक मत किया करो, बस आ जाया करो। और हम भी तुमसे उतनी बार बोले हैं कि यहाँ तुम सीनियर हो और हम जूनियर। देखो ना, 5 बार पीसीएस का रिटर्न एग्जाम दिए लेकिन 1 बार भी नहीं निकाल पाए, और तुमने तो पहली बार में क्लियर कर लिया। वैसे आरती, हम तुम्हारा जितना भी थैंक यू बोले ना उतना कम है। आज तुम्हारी वजह से हमें जॉब पाए, वरना बैठे होते कानपुर में, पढ़ा रहे होते किसी स्कूल में। शट अप, चाय पियोगी? चाय चाय तो कोई हमें सलाइन में चढ़ा दे, चढ़ती रहे। तो चाय ले आना प्लीज। अच्छा आरती, ये जो हम ऑफिस में सुन रहे हैं ये सच है कि नहीं? वो इस पे डिपेंड करता है कि आप सुन क्या रही हैं। अब ज्यादा बनो मत, पूरे ऑफिस में एक ही बात की चर्चा हो रही है। क्या? ये लो। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? हम देख थोड़ी रहे थे। देख नहीं रहे थे, झांक रहे थे। ज्यादा झांकोगे ना तो नीचे गिर जाओगे, वजन बढ़ गया तुम्हारा। अरे जीजा जी हारने लगते तो ऐसे ही वायलेंट हो जाते हैं। अरे पापा, नीलम का फोन आया था, शायद आरती का प्रमोशन होने वाला। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो जीजा जी। चलो रंजन, चाय का टाइम हो गया। अरे चाय आ गई जी, आओ लाओ लाओ। रखो रंजन, हम तो भगवान का जितना धन्यवाद करें उतना कम है। 5 साल में आरती ने तो इतनी तरक्की कर ली, बस अब उसकी शादी हो जाना तो हम तो कहें गंगा नहा लेंगे। उठो 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 उठो। अरे उठो, जल्दी उठो यार, घूमो। क्या हुआ? अरे इधर जल्दी घूमो, जल्दी जल्दी। साड़ी झाड़ो, साड़ी झाड़ो, साड़ी झाड़ो। क्या है? साड़ी झाड़ो। अरे हुआ क्या? अरे इनकी सुई 5 साल से आरती की शादी पे अटकी है, मिले तो थोड़ा हिलाए उसे। लपड़ मारेंगे। हाँ भाई, मामा जी चलिए। मम्मी आप चीटिंग क्यों कर रहे हो? अरे हाय, हम कहाँ चीटिंग कर रहे हैं, कितना नालायक है। आप चीटिंग करते हो। सोनू अगर कह रहा है ना कि चीटिंग कर रही है तो चीटिंग कर रही है। किया आज तक चीटिंग? अरे कभी कभी तो चीटिंग कर ही लेती है ना। रंजन तुम भाई ऐसे ले जाओ। अरे गेम के बीच में आइए जी। जी आप आ जाइए। आ जाओ मंजू। आओ भाई मामा के भांजे, लगता है तुम्हारा जन्म हमारे लिए हुआ है। चलो चलो चलिए चलिए, उठाओ तुम्हारी बारी है मंजू। हाँ। अच्छा आभा, तुम आरती के पास कब जा रही हो? हम सोच रहे हैं परसों चले जाएं। मिस आरती शुक्ला, आपको जॉब से टेम्पररी सस्पेंड किया गया है। बाराबंकी रेलवे लाइन के पीछे की 90 एकड़ जमीन कुकरेजा एंड सन्स के नाम पर करने के लिए आपके ऊपर 3 करोड़ रुपए घूस लेने का इल्जाम लगा है। सर आप हमें इतने सालों से जानते हैं, आपको लगता है कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? आरती बात ये नहीं कि हमें क्या सही लग रहा है और क्या गलत लग रहा है। पॉइंट इस की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में भी चीजें तुम्हारे खिलाफ हैं, और अब तो इसमें ऑफिशियल जांच भी शुरू हो गई जिसे एडीएम फाइनेंस असिस कर रहे हैं, और तो और डीएम साहब ने जांच खुद अपने अंडर में ले ली है। कल सुबह उन्होंने 9 बजे तुम्हें मिलने बुलाया है। जी सर। नमस्ते सर। नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते सर। मिस आरती शुक्ला, यही नाम है आपका? सत्तू सर, एक सीनियर आईएएस ऑफिसर को नाम लेके बुलाती हैं। क्या पोस्ट है आपकी? हम सब रजिस्ट्रार हैं। कितना वक्त हुआ? 4 साल। पैदा हुई नहीं आपने रिश्वत देना शुरू कर दिया? घूस लेके बड़ी बनना चाहती हैं? नहीं पर ठीक है, आप तो सिस्टम का हिस्सा हैं तो घूस लेने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी आपको, राइट? ऐसा नहीं। Did I ask you to sit?
हम निर्दोष हैं। आई कैन एक्सप्लेन। यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन एनीथिंग आरती शुक्ला। आपको जो करना था आप कर चुकी हैं। अब हमें जो करना है हम वो करेंगे, और आपने जो गलती की है उसकी सजा तो आपको मिलेगी, जॉब सस्पेंशन और 6 साल की जेल। When found guilty. When या if? When I declare you guilty. सत्येंद्र, आप एक बार हमारी बात सुनिए तो। महान है साले साहब। 4 साल से नजर रखे हो और एकदम करेक्ट टाइम पे मंत्री जी से रिक्वेस्ट करके ये केस भी अपने अंडर में ले लिया। वैसे तुमको क्या लगता है वो गिल्टी है? हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम उसे जानते हैं कि जिस बात के लिए हम उन्हें गिल्टी मानते हैं उसकी सजा हम उन्हें जरूर देंगे। इस दुनिया में कहीं नर्क है ना, तो इस आरती शुक्ला को वहीं पहुंचाएंगे हम। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर प्रियांश। लव इज ओवर, नाउ वॉर बिगिंस। अरे खुश हो जाइए, क्या हुआ? मिठाई खाइए। कहाँ इतना खुश हो, क्या खबर है? और ये देखिए आप, क्या है? अरे देखिए तो सही, इस कंटाइन की फोटो हमें क्यों दिखा रहे हो भैया, क्या हो गया? मैडम बड़ी नाक वाली बन रही थी, दहेज के खिलाफ थी, शादी छोड़ के भाग गई। अब भाग के दिखाएं? क्यों, क्या हुआ? जेल जाने वाली हैं बहुत जल्दी। जेल क्यों? घूस के इल्जाम में। ऐसी वैसी घूस नहीं है। अच्छा, 3 करोड़ की घूस है। 3 करोड़? अरे इससे नप जाएंगे, देखिएगा आप। आप तो मुंह मीठा कीजिए जीजा जी, जरा देखिए। तो बनती है भैया, मिठाई तो बनती है। आम दीजिए आम। हाँ ले लेंगे ले लेंगे। लखनऊ की खबर है, सत्तू भी तो लखनऊ में ही है। सत्तू को बताते हैं, खुश हो जाएंगे। बताओ बताओ। प्रणाम माँ। बहुत अच्छी खबर है आपके लिए। क्या हुआ, हम मामा बनने वाले हैं? नहीं, उससे भी अच्छी है। वो थी ना शुक्ला जी की सुपुत्री, मंडप छोड़ के भागी थी, अब खुद धर ली गई है 3 करोड़ की घूस के इल्जाम में। जेल जाएंगी देवी जी सीधा। आपके लखनऊ में है, पता करो पता करो। हम बाद में फोन करते हैं माँ। प्रणाम। अच्छा चलो रखते हैं, प्रणाम। पूनम जी, सत्तू भाई कितना मांग लिए कि उनकी दुल्हन मंडप ही छोड़ के भाग गई। माय गॉड, हम तो आपसे बिना दहेज के शादी कर लेंगे, क्या बोलती हो? अरे कहाँ जा रही हो? ले सत्तू, बुरा मत मानना यार। अबे सुन बे महेश्वर, वो दहेज वहेज के चक्कर में नहीं भागी है, वो भागी है ताकि PCS ऑफिसर बन सके और सत्तू जैसे 2500 क्लर्क उसके नीचे काम कर सके। अच्छा? अरे तुम्हारे सत्तू जैसे क्लर्कों के मुंह में तो वो थूकती भी नहीं है, समझे? ऐसा जो दिल में भरा तूने देखेगी उस जहर को, भुगतेगी मेरे गम को, मेरी आह के कहर को, अपनी खुद गर्जी का अब अंजाम। मतलब ही दिया तूने, मजबूर ना थी फिर भी धोखा किया तूने, नफरत को मेरी अब तू सुबह शाम।
मुझ पे कुछ सोच के किया है, कुदरत ने सिला उसका आखिर तुझे दिया है, दुनिया शिकस्त तेरी सरे पूरे घर में छींचा लेदर मचा दी, सब तहस नहस कर दिया घर। अरे आईएएस बन गया क्या, कुछ भी करेगा, किसी के भी घर में घुस के रेड मार देगा। बिंदु। हाँ दीदी। एक गिलास लो। जी। उसने अपने अंडर में इसकी फाइल ली है दीदी, आपको दिख नहीं रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इससे बदला लेने आया है। अरे तो जब आरती ने कुछ किया ही नहीं है तो हम सब काहे डर रहे हैं? इसलिए क्योंकि हमारा उस पे बस नहीं चलेगा, सारी पावर उसके हाथ में है ना। उसने इसको साफ साफ बोला है कि वो इसको जेल भिजवा के छोड़ेगा। तुम तो यार बुरा फंस गई, प्रोफेशनल दिखा के तुमसे पर्सनल बदला ले रहा है। दीदी अब आप ही बताओ क्या करना चाहिए। आरती, अरे इसमें रोने की क्या बात है, अरे सब ठीक हो जाएगा, रो मत, पानी पियो, सब ठीक हो जाएगा। आरती तुम एक काम करो, उससे जाके सॉरी बोल दो, देखो वो तुमसे बहुत प्यार करता था, शायद इसीलिए इतना गुस्सा है, हो सकता है तुम्हें माफ कर दे। और हमने तो सुना है कि उसने शादीवादी भी नहीं की है अभी। तुम एक काम करो, तुम उससे ऑफिस के बाहर कहीं मिलो या उसे कॉफी वगैरह पे बुला लो। बैठिए मैम, मैं सर को बुलाता हूँ, बैठिए। कैसे हैं आप? How can I help you? Listen, I'm really sorry. For what? हमने जो आपके साथ किया आज तक पछता रहे, वो दहेज की बात सिर्फ एक बहाना था, हमने PCS का एग्जाम दिया था और अशोक, अशोक जी साहब, दो कप चाय लाइए। ओके साहब। क्या कह रही थी आप? हमने वो PCS का एग्जाम दिया था जिसका रिजल्ट हमारी शादी वाले दिन आया, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैसेज भी किया था हमने आपको, दीदी ने कहा था कि आपके घर वाले हमें कभी नौकरी नहीं करने देंगे, सही क्या है गलत क्या है कुछ समझ में। हम मानते हैं हमने आपके साथ बहुत गलत किया है, बहुत तकलीफ पहुंचाई हमने आपको, हम आपसे दिल से सॉरी कहना चाहते हैं, हम समझते हैं आप हमसे इतना गुस्सा क्यों है, पर अब हम क्या करें। आप अगर इतनी सॉरी थी तो आपने हमसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की, कितने फोन किए थे हमने आपको उस दिन, पता है हमें लगा था कि हम एक दूसरे से प्यार करते थे, और आज जब तुम्हारा केस हमारे अंडर आ गया है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, हाँ, और हम यहां नहीं आते तो तुम हमारे बारे में सोचती भी नहीं कभी, है ना, तब भी प्रैक्टिकल थी, अब भी बहुत प्रैक्टिकल है, बस अभी थोड़ी हॉट हो गई है। ऑफिसर आरती शुक्ला, वेरी टेम्प्टिंग, डिजायरेबल। Excuse me. Are you feeling awkward? अब इतना सदस्य क्या है तो हम तो क्या हिमालय भी फिकल जाएगा, है ना? चलो पहले तुम जिस पर्पस के लिए आई हो वो कर लेते ना। चला शट द डोर क्विकली। सत्येंद्र, प्लीज डोंट टॉक लाइक दिस। व्हाट? स्टॉप 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 टॉकिंग टू मी दिस वे। ओके देन, हाउ देन, टेल मी हाउ शुड आई टॉक टू यू?
लुक एट योरसेल्फ, रिझाने आई हो हमें, सेड्यूस करने आई हो, कम ऑन, आई एम रेडी, कम 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 ऑन। लिसन मिस आरती शुक्ला, अगर आपको लगता है ना आपकी ये खूबसूरत शक्ल देख के हम अपने अपने परिवार की बेइज्जती भूल जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा, और ये बात आप कभी मत भूलना। Please don't make this personal, Satyendra. It is personal. It's very personal. जो धोखा आपने हमें दिया है ना, वो हम कभी नहीं भूल सकते। ये तो हमारी लाइफ की सबसे बड़ी लड़ाई है। और हाँ, हम गुस्सा नहीं है, हम नफरत करते हैं आपसे। Now get the hell out of here. Satyendra. Get out. I'm sorry. Get out. Get out. Move. मिस शुक्ला, आज के बाद ये पिंक पहन के हमारे सामने मत आना, घिना रही है आपसे। सर चाय। चाय रखिए। बताइए। सर ये है आरती शुक्ला के फादर के पासबुक और ये उनके पर्सनल पासबुक। ये पर्सनल है जी। और वो बिल्डर कुकरेजा? सर काफी बिजनेस है इसके, बड़े बड़े मंत्रियों के साथ उठना बैठना है। और सर ये जो लैंड है इसने वहाँ फैक्ट्री बनाने के लिए लिया था, अभी वो लंदन में है एंड ही विल बी बैक बाय नेक्स्ट वीक। ये डील कराई किसने है? हाँ सर, हमने ही डील कराई थी सर, हमारा तो काम ही यही है। जमीन के पेपर्स थे उनके पास? हाँ सर, बगैर पेपर के सर जमीन बेची कैसे सकते हैं। और ओनर कहाँ है? अमेरिका शिफ्ट हो गए। जी सर। और जाहिर सी बात है आपके पास नंबर भी नहीं होगा। नो सर। कोई एड्रेस? इधर ही, और कहाँ होंगे? सुबह 9 बजे गए, 5:15 बज गए। कुछ खाए सुबह से? कहाँ, यहाँ से निकले तो ना, हिलने की इजाजत नहीं है हमें। ख्याल रखो, बाय। अच्छा लिसन, आई विल कॉल यू बैक। ओके बाय। सर। जी सर, हमारी बात हुई थी, वो कल 9:30 के आसपास उनको मिलना है। मैडम कल सुबह 9 बजे। एक बार बात करके देखते हैं क्या बोलते हैं। पिक्चर्स कहाँ की हैं? सर ये वो हम साइट विजिट पे गए थे, उसी प्लॉट के लिए जो मिस्टर कुकरेजा ने खरीदा है। आपने फिजिकली जाके वेरीफाई किया कि लैंड कहाँ है और कितनी है, और फिर जानबूझ के सरकारी जमीन को कुकरेजा के नाम कर दिया? नहीं सर, हमें सच में नहीं पता था। ये आदमी कौन है? ये मिस्टर कुकरेजा के सीईओ हैं। मिस्टर सहगल, आप लोग तो काफी जमीन खरीदते होंगे। जी। ये जमीन जो आप लोगों ने अभी ली है, इसका मार्केट प्राइस तो कुछ 15 करोड़ के आसपास है। आप लोगों ने कितने में ली? जी सर, दरअसल बात ये थी कि उस वक्त 6 करोड़। जी। 15 करोड़ की जमीन 6 में मिल गई आपको, तो 6 का तो डायरेक्ट फायदा हो गया। 3 करोड़ तो आपने आरती शुक्ला को दिए ना, ये दोस्त हैं आपके? नहीं सर, प्रोफेशनल ही जानते हैं। इन्होंने गाड़ी भी गिफ्ट की आपको? सर, इन्होंने हमारे नाम पे खरीद के हमें बर्थडे पे गिफ्ट की थी, हमने वापस भी भिजवाई थी सर, पर उन्होंने ली नहीं सर। वो आज भी हमारी पार्किंग में बस पार्क्ड है सर, हमने इस्तेमाल भी नहीं किया उसका। उमेश सर, आप लोगों को कभी किसी ने की कोई गाड़ी गिफ्ट? नहीं सर, नेवर। नो सर। नहीं, कभी नहीं? नो सर। ये भी ऑफिसर्स हैं, आप बहुत स्पेशल हैं। आपके लास्ट बर्थडे के 3 दिन बाद ये प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई थी, वैसे भी सिस्टम में रह के तो मना करने में प्रॉब्लम ही होती है, यही मानते हैं ना आप? कुकरेजा जी, आप इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। जी सर। आपने प्रॉपर्टी पेपर्स वेरीफाई नहीं किए, थोड़ा इम्पॉसिबल तो है। ये जमीन सरकारी है, ये बात तो आपके ऑफिसर्स को ही पता होगी, हम तो बस कागज के मुरीद हैं। जमीन के कागज सही थे तो हमने खरीद ली। आर यू श्योर? हम एकदम श्योर हैं सत्येंद्र, आरती कभी किसी से घूस नहीं ले सकती है। हमको लग रहा है कि तुमको कोई कंफ्यूजन हुआ है। Did I ask you for your advice, Mrs. नीलम गुप्ता? No, sir. ये कौन है? सर ये आरती के दोस्त हैं। आपके नहीं है? अब सर ऐसे बड़े लोग हमारे दोस्त कैसे हो सकते हैं?
वो तो आरती हमें अपने साथ पार्टीज में ले जाती थी, तो हम भी चले जाते थे। आपके पति क्या करते हैं? सर वो स्कूल टीचर है। कितना कमा लेते हैं आप दोनों मिलके? सर इसमें क्या कमाना सर, हमें तो बस अपनी कमीशन मिल गई थी बस। वो तो कुकरेजा साहब ने कहा था कि सरकारी डिपार्टमेंट को वो संभाल लेंगे। सर इसमें हमारी क्या गलती? देखो ये तुम्हारा हक है आरती, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तुम चाहो तो बदलने की रिक्वेस्ट कर सकती हो, लेकिन अगर मेरी सलाह मानो तो ऐसा मत करो, बिकॉज एज फार एज आई नो डीएम इज अ गुड गाय, और बदले में तुम्हें जो ऑफिसर मिलेगा उसकी रेपुटेशन औरतों को लेकर बहुत अच्छी नहीं है। सो आई लीव इट टू यू। एक बार सीएम सर से जाके मिल लेगा, फिर अपने आप देख लेंगे जो भी करना है। सर को बोलिए हम खाना खा के आते हैं। गुड आफ्टरनून मैम, प्रमोद सिंह, BA LLB, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। मैम मैं आपको कॉलेज के दिनों से जानता हूँ, सीनियर था। हाउ कैन आई हेल्प यू? मैम ये कहिए कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। क्या है मैम, आपके ऊपर जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा मैं उससे आपकी डील करवा दूंगा, वो आपको निर्दोष साबित करा देगा, मगर मैम इसके लिए थोड़ा सुविधा शुल्क तो लगेगा ही। और आप हमें इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर करवाइए, डील करवाइए। साहब मैंने नहीं जाना। करवाइए, अब जानते हैं ना? जी सर मैं जानता हूँ। दोस्त हैं आपके? जी। इनका तो जेल जाना निश्चित है, कम से कम 6 साल के लिए। आपका क्या नाम है? प्रमोद सर। प्रमोद तो आपको भी साथ भेज देते हैं, कंपनी हो जाएगी। गाड़ी लीजिए। एक लेटर लिखिए हमारे लिए। प्रणाम मम्मी, प्रणाम पापा, आरती शुक्ला की इंक्वायरी। लिखिए लिखिए, आरती शुक्ला की इंक्वायरी बहुत अच्छी चल रही है, सारे सबूत उनके खिलाफ हैं, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है। मम्मी से कहिए प्रसाद चढ़ाने की तैयारी करें, प्रसाद चढ़ाने की तैयारी करें, आरती शुक्ला का जेल जाना तय है। क्या लिखा क्या है? क्या तय है? पूर्ण विराम। आपका आज्ञाकारी बेटा, नाम हम लिख लेंगे। जाइए बाहर बैठिए जाके। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अबे नहीं, वहीं भस्म हो जाना है। बस साला तुम अपना बना लिए, समझ रहे? और नहीं क्या। अच्छा ये वाला सुनिए प्रियांश, कभी किसी से न करना ये वादा कि चाहेंगे तुम्हें खुद से भी ज्यादा। ये है ये देखो पहुंचा है सीधे। ये प्यार व्यार सब बकवास की बातें होती हैं प्रियांश बाबू। अच्छा हमें बात करनी है आपसे। देखिए कौन आया हमसे मिलने। अच्छा जो हमने अभी कविता कही है ना, ये हम डेडिकेट करते हैं हमारी काबिल दोस्त मिस अरे क्या नाम है इनका, आरती शुक्ला है। आरती, मिस आरती शुक्ला को डेडिकेट करते हैं। अरे बहुत फेमस हैं ये, बहुत प्रैक्टिकल लड़की हैं, बड़े चर्चे हैं इनके। अभी पेपर में भी छपा था इनके बारे में, वो जो 3 करोड़ की घूस थी ना। हाँ यही है वो। अच्छा अब अगर जेल जाना ही है तो 3 की क्यों, मतलब 10-20 करोड़ की घूस तो लेनी चाहिए ना। 3 करोड़ में क्या होता है आजकल। ये मेंस टॉयलेट है। हमसे ये टॉर्चर और बर्दाश्त नहीं होता सत्येंद्र, घुटन हो रही है हमें, हम सांस नहीं ले पा रहे। आप चाहते क्या है हमसे? आपसे क्या चाहेंगे हम? हम काम कर रहे हैं अपना, हटिया काम कर रहे हैं या मौके का फायदा उठा रहे हैं आप? हम मौके का फायदा उठा रहे हैं। हाँ तो आपसे सीखा है हमने, तब आपने उठाया तब हम उठा रहे हैं। हमने कोई मौके का फायदा नहीं उठाया था सत्येंद्र, आप जानते हैं मौके का फायदा उठाना क्या होता है? क्या होता है? अगर हम अभी चिल्ला दे और कह दे कि आप हमें मोलेस्ट कर रहे हैं, सत्येंद्र मिश्रा IAS हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हमसे फेवर्स मांग रहे हैं, उसे कहते हैं मौका परस्ती। कह दीजिए जाइए। नहीं
हम नहीं कहेंगे क्योंकि हम ऐसे नहीं है, ना तब थे ना अब है सत्येंद्र। रिजल्ट आ गया तो 12 सिर पे खड़ी थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें, और आपकी माँ ने दीदी से कह दिया था कि वो कभी हमें नौकरी नहीं करने देगी, तो हम क्या करते? तो तुम हमसे बात करती ना एक बार, हाँ एक बार हमारा तो भरोसा कर लेती ना। ऐसे? अरे हम प्यार करते थे तुमसे, तुमने 5 साल में एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा, अब तुम हमें आंसू बहा के दिखा रही हो, हाँ? और हमारे ऊपर जो बीती उसका क्या? सत्येंद्र, हमारे माँ बाप ने जो आंसू बहाया उसका क्या? हम मानते हैं पर अब क्या करें, अब क्या करें, क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा आपसे कि हम आपको छोड़कर चले गए? हाँ रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हो रहा था आपसे, लेकिन आपने कभी भी एक बार भी ये सोचा कि अगर हम आपको छोड़ के नहीं जाते तो आज आपका ये ओहदा है ना, ये कभी नहीं होता। क्या मतलब? ना हम आपको छोड़ के जाते, ना आपके सीने में आग लगती, ना आप ऑफिसर बनते, आज भी आपको इकलौती होते ना, कभी सोचा आपने इस बारे में? आरती शुक्ला आ जाए ना सच बाहर, तुम्हें ना ऑफिसर बन के एक लग से शादी करने में प्रॉब्लम है। सत्येंद्र, तुम्हें अपनी बेइज्जती लगती इसमें है ना? सत्येंद्र, हम छोटे आदमी थे ना, हमारे तो कोई औकात ही नहीं थी है ना? सत्येंद्र ना तब आप हमें समझे थे ना, आज समझ रहे क्या हो गया आपको? तो नहीं पति की गाड़ी में घुटना था है ना, हम तो तुम्हारे लायक ही नहीं थे। हम बस आरती शुक्ला, तुम तब भी मतलब ही थी, तुम अभी भी मतलब ही हो तुम। सत्येंद्र हमारा वो मतलब नहीं था। सत्येंद्र हम बात कर रहे हैं ना, हम मतलब ही नहीं है, आप बस हमें जेल भिजवाना चाहते हैं ना, भिजवा दीजिए, करिए पुलिस को फोन अभी के अभी, अंदर करवा दीजिए हमें, कल के जाते आज चले जाएंगे। ये रोज रोज के टॉर्चर से तो बचेंगे सत्येंद्र, नहीं होता हमसे, और मान लेंगे कि हमने घूस ली है ये बस। नहीं होता हमसे और, आप करिए फोन अभी के अभी। ओके काम 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 डाउन प्लीज, लिसन। क्या काम डाउन? तुम्हें बात करनी है ना, हम बात करेंगे। आपको बात करना नहीं आता है सत्येंद्र, हम आराम से बात करेंगे। हमसे सच में और बर्दाश्त नहीं हो रहा सत्येंद्र, हम सॉरी कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया आज हम। हमें लगा था तुम मारी दोगी आज हमें। सिगरेट की आदत कैसे लग गई? तुम्हारे जाने के बाद पागल से हो गए थे हम, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। खैर छोड़ो ना पुरानी बातें, एक चूज करो, चूज करो। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो एक किस करें? क्या? एक किस। तुम्हारे कैरेक्टर पे शक नहीं करेंगे हम। नहीं सत्येंद्र, नहीं नहीं किस हम नहीं करेंगे, किस तुम करोगे, एकदम डीप पैशनेट। और वो उधर 5-star होटल है, इसके बाद वहीं चलते हैं, रात वहीं गुजारेंगे साथ में, और 5-star है तो तुम्हें प्रॉब्लम भी नहीं होगी कुछ करने में। सत्येंद्र, तुमने ही कहा था ना, भूल गई? आप जानते हो मजाक था। ये मजाक नहीं है, आज की रात कीमत है तुम्हारे जेल ना जाने की। कम ऑन सत्येंद्र, हमसे गलती हो गई आपको पहचानने में। इस बार नहीं पूछोगी दूसरी उंगली में क्या था? आज 10 तारीख है, एक हफ्ते में कमेटी का रिजल्ट आएगा, तुम्हारे पास जो 3 करोड़ रुपए हैं हमारे पास भिजवा दो, घूस। हम सिस्टम का हिस्सा है, मना करें तो जबरदस्ती दे देना। हमने नहीं ली है घूस, नहीं है हमारे पास 3 करोड़। तो कुकरेजा से मांग लो, तुम्हें तो मना नहीं करेगा, तुम्हारे पास तो बहुत सारे सच है ना उसके। ते
देखिए शुक्ला जी, अब हम तो आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर पाएंगे। अरे नहीं बहन जी, ऐसा मत कहिए। देखिए सत्येंद्र कोई बच्चा तो है नहीं, जो भी कुछ कर रहा है वो जानते बूझते ही कर रहा है। अब 3 करोड़ है तो 3 करोड़ ही सही। अरे नहीं, 3 करोड़ हम कहाँ से करेंगे? देखिए शुक्ला जी, हम तो ना तब कुछ बोल पाए थे ना अब कुछ बोल पाएंगे। कभी हमने अपने गहने बेचे थे अपने पति और अपने भाई की जान बचाने के लिए। अब आप देख लीजिए शुक्ला जी, आप क्या बेचकर अपनी बेटी की जान बचा सकते हैं? अरे हम तो हम खुद को भी बेचेंगे तो 3 करोड़ नहीं कर सकते हैं बहन। अब वो तो आप देख लीजिए शुक्ला जी। आइए मैम, कुकरेजा जी आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, हम करते हैं कुछ। आइए मैडम आइए। भाई बड़े दिनों से सोच रहे थे कि कभी आपके दर्शन नहीं हुए, वैसे चर्चे बड़े सुने आपके। मिस्टर कुकरेजा, अगर इस इंक्वायरी में हम गलत साबित हो गए तो हमारी नौकरी जा सकती है, हमारे मम्मी पापा का घर बिक जाएगा, हमें जेल हो सकती है, आपको सामने आके सच बोलना ही पड़ेगा। अरे सच तो दुनिया को पता है ना मैडम, और बेकार में ये भोलेपन की एक्टिंग हमारे साथ मत कीजिए। अरे 3 करोड़ खा के बैठी हैं आप। हम खा कर बैठे हैं 3 करोड़। अरे डिपार्टमेंट में खिलाया नहीं क्या आपने? मतलब सारे पैसे अकेले हजम कर गई? कुछ तो नीचे वालों में बांट दिया होता। आप कह क्या रहे हैं, हमने आपसे कोई पैसे नहीं लिए हैं। आपके डिपार्टमेंट से किसी ने मुंह खोला है, और हम तो इज्जत से भी गए और पैसों से भी आपके चक्कर में, और अब जब आप फंस रही हैं तो आप चाहते हैं कि हम भी आपके साथ आग में कूदें। वाह मैडम जी वाह, अच्छे अच्छे अफसर देखे मैडम। Mizati Shukla is trying to manipulate the investigation. Arrest her right away. Yes, right away. इससे ज्यादा बदनामी हो नहीं सकती। वो गिन गिन के बदला ले रहा है। एक आखिरी कोशिश और कर लेते हैं। ये लीजिए, इसमें हम सब कुछ रखती हैं। हाँ। अब आप जल्दी से उसको छुड़ा कर ले आइए। रो नहीं, भगवान से प्रार्थना करो कि वो आरती को छोड़ दे। आओ जोगी। देख लीजिए, आप हमें जहां पहुंचाना चाहते थे आज हम वहीं खड़े हैं। अब तो बदला पूरा हो गया होगा ना आपका। हैप्पी बर्थडे। ये रात हमारी जीवन का सबसे बेस्ट बर्थडे गिफ्ट है। थैंक यू। सो आई विश कि हम आपसे कभी मिले ही ना होते। ये घर के कागज, हमारी आरती को छोड़ दो। I'd like to present all the necessary proof and evidences that we need to reach a conclusion on Miss Aarti Shukla's case. I'd like to seek the permission of the honorable jury to proceed. Please proceed. थैंक यू सर। हम चाहेंगे आप सब ये वीडियो बहुत ध्यान से देखें। अरे हमारे माथे पे कुछ लिखा है क्या? अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं आप। 3 करोड़ खा के डकार तक नहीं लिया आपने और वापस पैसे अटने आ गए। चलो दिए, आपकी मुंह मांगी रकम दी आपको। बस ये जो केस आपकी बेवकूफी से शुरू हुआ है ना, इसे बंद करवा दीजिए। आपको कहना है कुछ? नहीं सर, हम कुछ भी नहीं कहना चाहते। आप जो सजा देंगे हमें मंजूर है। ऑलराइट। मिस्टर कुकरेजा, आपकी ये सब कहने से हम डरने वाले नहीं हैं। अगर हम जेल गए तो छोड़ेंगे हम आपको भी नहीं। क्या बे, तू तो कह रहा था सेटल करने आई है। अरे पागल लग रही है तो हमको, धमकी देके गई कि जेल भिजवा देगी। अरे कुछ करना होगा इसका। खत्म कर दो साली को, इसका दीवाना आशिक इससे पुराना बदला लेने आया है। भूखे बेड़े की तरह पीछे पड़ा है इसकी, और इसकी बेवकूफियों का शिकार बनेंगे हम। इनकी लव स्टोरी का ड्रामा बंद करना पड़ेगा। केल है
today. Can you explain, Mr. Mishra? Yes, sir. I can explain. Mrs. Neelam Gupta ke husband school teacher hai. और ब्रोकर मिस्टर राजेश यादव जिन्होंने इस प्रॉपर्टी की भी डील कराई थी उनके पति के बचपन के दोस्त हैं। सालों से खाली पड़ी सरकारी जमीन की इंफॉर्मेशन मिसेज नीलम डिपार्टमेंट से निकालकर अपने पति को देती हैं, जो आगे उन्हें अपने ब्रोकर फ्रेंड मिस्टर राजेश यादव को फॉरवर्ड कर देते हैं। फिर राजेश प्रॉपर्टीज के फॉल्स पेपर्स बनाकर अलग अलग बिजनेसमैन को बेच देते हैं। राइट मिस्टर यादव? आरती शुक्ला के भरोसे का फायदा उठाकर मिसेज नीलम उनसे इन डॉक्यूमेंट्स पे साइन ले लेती हैं। सालों से ये लोग आरती शुक्ला के नाम पर घूस ले रहे हैं और उसे आपस में बांट लेते हैं। मिस्टर कुकरेजा ने 3 करोड़ रुपए दिए जरूर हैं, पर इस बात की भनक आरती शुक्ला को दूर दूर तक नहीं थी, क्योंकि वो पैसे कभी इनके पास पहुंचे ही नहीं। राइट मिस्टर नीलम, थैंक यू। आरोपी खड़े हो जाएं। थैंक यू मिस्टर मिश्रा। द एविडेंस इज कंक्लूसिव, द ज्यूरी इज ऑफ द ओपिनियन दैट मिस आरती शुक्ला इज नॉट गिल्टी। इन लोगों को कस्टडी में लीजिए। आज समझ में आया सो, जब कोई अपना धोखा देता है तो दिल सच में टूट जाता है। थैंक यू सो मच सर। यू कैन कॉल मी सत्येंद्र। आप मंडे से ज्वाइन कर सकती हैं। सक्सेना जी कैसे हैं? सर, आपने कस्टडी में आरती को भेजकर उसकी जान बचा ली। अरे वेरी नाइस ऑफ यू। थैंक यू प्रमोद जी, गुड जॉब। थैंक यू सर। चलिए हम जरा कानपुर के निकल रहे हैं, आके मिलते हैं। श्योर। वो सर, आरती निर्दोष है। आरती ठीक तो है ना? सत्येंद्र ने घर के सारे कागज भेज दिए। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सेना जी, मैं ता तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सेना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना,
मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। सर कहाँ है? सर अभी आए नहीं। कब तक आएंगे? पता नहीं। मैं लाख संभल के जानी, तू नदिया और मैं पानी, एक तुझ में ही बहने का रास्ता। सौ बार समझ के मानी, मेरा किस्सा तेरी कहानी, जो जुड़ जाए तो मुकम्मल वास्ता है। फिर से मुझे एक दफा है बस तुझे देखना। इतना कुछ होने के बाद किसी का भी मन खट्टा हो जाएगा आरती। हम सत्तू की जगह होते तो शायद हमारा भी शादी और प्यार पर से विश्वास उठ जाता। दीदी तुम ठीक कह रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भी जानते हैं कि सत्तू आज भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। अगर वो हमसे प्यार नहीं करते ना, तो इतनी नफरत भी नहीं करते कि ऑफिसर बने और हमसे बदला ले। दीदी सत्तू कभी ऑफिसर बनना ही नहीं चाहते थे। प्रॉब्लम बस इतना है कि उनके दिमाग ने उनके दिल से कह दिया कि प्यार मत कर। अब हम उनके दिमाग को चुप कराएंगे और उनके दिल की आवाज़ को उनके कानों तक पहुँचाएंगे। सत्तू सुनो ना, कितना भागे गए हम, थक गए हैं यार। हम भागते भागते पीसीएस ऑफिसर बन गए, आप भागते भागते आईएएस ऑफिसर बन गए। बस करो, थक गए हैं हम, कहीं तो रुकना पड़ेगा ना। हम अगर भाग रहे तो सिर्फ तुमसे दूर आती शुक्ला, हमारा पीछा छोड़िए, हमारे रास्ते अलग अलग है। हमारे रास्ते अलग है तो क्या हुआ, मंजिल तो एक है ना। क्यों सत्तू, अरे धीरे भागिए, हम इससे तेज नहीं भाग सकते। ओके, थैंक यू सर। एक सेकेंड, आप हमें घर तक छोड़ देंगे प्लीज? हमारी गाड़ी खराब हो गई है ना। थैंक यू। इन्हें घर छोड़ दीजिए। हाँ सत्येंद्र, सत्येंद्र चलिए। कहाँ हो भाई? यार हमको तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, आप एक काम कीजिए, एक दो पैक टिका लीजिए, तब तक हम पहुँचते हैं। हम आ गए। देखो हमने सोचा कि आप हमसे तो शादी करने वाले हो नहीं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम आपके साथ विस्की नहीं पी सकते। अब जहाँ वही हमारा मसूरी। चलिए अभी ड्रिंक मंगवाइए हमारे लिए। अच्छा आप छोड़िए ये सब, हम आप ही के ड्रिंक से शुरू कर रहे हैं, लेडीज फर्स्ट होता है ना। मैम विस्की ऑन द रॉक्स। थैंक यू। कड़वा है, कुछ हुआ ही नहीं। Cheers. कुछ कुछ होता है। आपका चश्मा बीच में आ रहा है। हम पहन ले। क्यों दिख रहे हैं ना हम? प्लीज प्लीज मैम योर ड्रिंक। थैंक यू। आपको पता है बहुत कुछ हो रहा है। आप ना अलाहाबाद के टॉम क्रूज है। वेटर एक और ड्रिंक लाओ ना। ओके आई थिंक आती है। एक Cheers. Husband. हमें आपका हाथ पकड़ के मसूरी की वादियों में घूमना है। यहाँ पे लोग हैं। प्लीज बिहेव। हम आपको किस कर ले? एक 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 छोटा सा एक कर लेने दीजिए। चढ़ गई है भाई इसको। आरती तो एक बात बोले
हम ऊपर वाले के शुक्रगुजार हैं कि केस के बहाने दोबारा आपसे मिलाया, वरना हम शायद आपको हमेशा के लिए खो देते। सर आप कुछ परेशान लग रहे हैं क्या? अरे नहीं नहीं, पहले परेशान थे, अब नहीं है। चलिए। सत्येंद्र, सत्तू रुकिए हम आ रहे हैं। आप ध्यान से। कब से ढूंढ रहे हैं? एक बात कहे सत्तू? सत्येंद्र, सत्येंद्र बोले, हमें लगता है कि हमें आपसे प्यार हो गया। आई लव यू बोल दें क्या? हाँ, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं आपसे। क्योंकि हमने आपको जेल नहीं भेजा, इसीलिए हमने सिर्फ आपको जेल से बरी किया है। अपने दिल से बरी ना हम बहुत पहले कर चुके हैं। हम मानते हैं कि हमारी गलती है सत्येंद्र, मान जाइए ना प्लीज। कमाल है लाइफ का भी नहीं। एक वक्त था जब हम आपसे पागलों की तरह शादी करना चाहते थे, सारा दिन आपके बारे में सोचते रहते थे, और आपने क्या किया? भाग गई, याद है? और आज देखिए, पता है जिस दिन हमने अपने परिवार को टूटते हुए देखा था ना, उस दिन से हमें शादी नाम के शब्द से नफरत हो गई है। और हमें जिंदगी भर आपसे क्या, किसी से भी शादी नहीं करनी है। आप समझ लीजिए इस बात को। थैंक यू। इश्क का रंग सफेद पिया, ना छल ना कपट ना भेद पिया, सौ रंग मिले तू एक बरगा, फिर आतिश होया रेत पिया, रेत पिया। जिस जंग में तेरा हो रुतबा, उस जंग कमा तो जुनैद पिया, जुनैद पिया। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। मैं ता तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सेना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी, जो जग से कहा ना जाए बस तुझसे कहना जी। रंजन। जी दीदी। यार तुम क्या अकल के घोंगा हो क्या? हम क्या किए? ये क्या स्पेलिंग लिखवाई है? जीजाजी का नाम नहीं पता क्या तुम्हें? हम टीसीएस बनने चले थे ना, लभड़ कहीं के शरद को शारदा लिखवा दिया। जाओ सही से छपवाओ। टाइम भागता है एकदम, पता ही नहीं चलता। बताइए कैसा न्याय है ऊपर वाले का? धोखा देके गई वो लड़की और ये यहाँ कुआरे बैठे हैं। अब तुमने क्या कसम खाई है? हमें पोता पोती का मुंह दिखाए बगैर ही ऊपर भेज दोगे क्या? अब वो करम जली तो अपना घर बसा ही रही है, तुम क्या बैठ के उसके बच्चे खिलाओगे? अरे ये क्यों बच्चे खिलाएगा उनके? कमाल कर रही हो आप। वैसे बात ठीक बोल रहे हो भाई, लड़की की ज्यादा कब तक शुक्ला जी घर पे बिठा के रखेंगे भाई? कभी ना कभी तो शादी करनी पड़ेगी उनको। भाई हम उसको थोड़ी ना मना कर रहे हैं, हम तो इनसे कह रहे हैं बेटा हमें भी दादी बनने का सुख दे दो मरने से पहले। हाँ हाँ बेटा, तुम्हारी माँ सही कह रही है, हम पोता पोती का मुंह देखना चाहते हैं। और कोई टॉपिक नहीं आप लोग पास बात करने के लिए?
ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा हमारे लिए, तुम्हारी शादी। अब तुम जा कहाँ रहे हो? मंगलवार है, मंदिर जा रहे हैं। कैसी हो? हम ठीक हैं। आप कैसे हैं? ठीक। सुना शादी कर रही हो? हमें तो लगा था हमारी इंक्वायरी खत्म हो गई। ना करें। अरे नहीं नहीं प्लीज, बिल्कुल कीजिए, तुम्हारी लाइफ है। ये वो दुपट्टा नहीं, हम बस सोच रहे थे अभी कुछ महीने पहले तक तुम हमें कह रही थी हमसे प्यार करती हो, हमसे शादी भी करना चाहती हो। कह तो रहे थे पर आप ही ने मना कर दिया। वैसे भी तुम तो बहुत प्रैक्टिकल लड़की हो, सही समय पे सही काम करती हो हमेशा। तो क्या पूरी जिंदगी आपके इंतजार में बैठे रहते हम? नहीं नहीं ऑफ कोर्स नहीं, पर हम खुश हैं हमने शादी ना करने का डिसीजन लिया। कोई तुम्हारी जैसी मिलती वरना? हमारी जैसी तो बिल्कुल ही नहीं मिलती, हम एक ही एक पीस बने हैं और अब तो हमारी भी शादी हो रही है। घर पे सब ठीक है? हाँ। शरद। ये शरद है हमारे मंगेतर। हेलो। ये सत्येंद्र है हमारे बहुत पुराने दोस्त। दोस्त जानते हैं ये कौन है? दरअसल आपके बारे में सब बताया इन्होंने और हम धन्यवाद करना चाहते हैं आपका। हमने कुछ नहीं किया। अरे धन्यवाद भी इसलिए कि आपने कुछ नहीं किया, मतलब ये कि अगर आप आरती से शादी कर लेते तो हम क्या करते? क्यों आरती? हम अभी आए, एक मिनट। हाँ एक मिनट। शरद आप गाड़ी लगवाइए, बुरा ना माने तो एक बात कहें। हाँ कहिए। ये आरती से शादी मत कीजिए, इसका भरोसा नहीं किया जा सकता। मतलब? शी डोंट माइंड बट शी इज नॉट स्टेबल। अभी थोड़े दिन पहले तक पागलों की तरह हमारे पीछे पड़ी हुई थी शादी करने के लिए, और अब देखिए, सी एज ए फ्रेंड आई एम टेलिंग यू, इससे शादी करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। बाकी इट्स योर लाइफ, योर कॉल, मैन टू मैन। इस एडवाइस के लिए भी थैंक यू। ये लीजिए प्रसाद। ना सत्येंद्र आप। हाउ डेयर यू सत्येंद्र मिश्रा, हम अनस्टेबल हैं, हमसे शादी करके शरद की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप चाहते क्या है हमसे सत्येंद्र? आप हमसे शादी करना नहीं चाहते, किसी और से हमारी शादी होने नहीं देंगे, हम क्या करें? Do you love me? Of course I love you. कितनी बार कहें कि I love you? तो प्यार हमसे और शादी किसी और से? चलो नहीं करते उनसे शादी, आप करेंगे? हाँ आप करेंगे हमसे शादी? नहीं करेंगे ना, क्योंकि आपका ईगो आड़े आ रहा है। हमने फैसला कर लिया है कि हम शादी कर रहे हैं। शादी करने के लिए प्यार जरूरी नहीं होता सत्तू, प्यार शादी के बाद भी हो जाता है। 10 तारीख को शादी है, पहुंच जाना। हम नहीं आएंगे। प्लीज आना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। शांति जी जल्दी कीजिए, निकलते हैं, रास्ते में महेश को भी लेना है। आप देखिए ना एक बार, जरा ड्राइवर को फोन लगाओ, देखो कहाँ पहुंचा, लेट हो रहा है हमें। क्या हो रहा है ये, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? शादी में जा रहे हैं बेटा। आरती की शादी? हाँ। क्यों जा रहे हैं आप लोग? बेटा शुक्ला जी और भाभी खुद कार्ड लेकर आए थे,
हाथ जोड़कर कह रहे थे कि हम नहीं आएंगे तो कन्यादान नहीं करेंगे, जाना तो पड़ेगा बेटा। तो क्या हो गया, मत जाइए ना आप लोग। Hey, you are looking really beautiful. Thank you. हम तो कह रहे हैं कि तुम भी चलो। प्लीज हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, आप लोग भी पता नहीं क्यों जा रहे हैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। नमस्ते। बहुत अच्छा किया सत्तू तुम आए, आरती ने अभी पूछा था तुम्हारे बारे में। अच्छा हुआ तुम आ गए। चलिए चलिए सब लोग, जीजा जी आ गए भाई। चलिए आइए एक मिनट। आइए और बर्फ अलग से। अरे आओ सत्तू। नमस्ते जमाई राजा। ओ सॉरी सॉरी, जमाई राजा तो उधर हैं। बधाई हो जोगी, आरती के लिए अच्छा लड़का मिल गया तुमको, मिलके आ रहे हैं उससे अभी। अरे भाई लड़का तो लड़का, परिवार बहुत अच्छा मिल गया, कोई डिमांड ही नहीं। ओ अच्छा है। मामा जी। अरे सत्तू चलो तुम्हें जीजा जी से मिलवा लाते हैं। हां भाई मिलवाओ मिलवाओ, है ना? ठीक है कोई। अरे चलो तो सही पापा। थैंक यू सो मच। आओ सत्तू। नमस्ते ताई जी। नमस्ते बेटा, खुश रहो। जीजा जी आओ, इनसे मिलो, ये हैं आरती के होने वाले पति। इन्हें तो हम जानते हैं। सॉरी यार तुमने एडवाइस दी लेकिन हमने ली नहीं। नो आई एम सॉरी, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सच बताए तो आपकी बातों से जलने की बुआ रही थी, लाइक आरती हमारी नहीं हुई तो किसी की ना हो। क्यों? लिसन आई एम टू एम्बैरस्ड रियली। नो नो डोंट बी, एक्चुअली आई एम ग्रेटफुल। अच्छा किया कि आपने आरती को जाने दिया, वरना आज वो हमारे साथ नहीं जा रही होती। अरे और पापा ने हनीमून का टिकट मसूरी के लिए बुक कर दिया। अच्छा अब चले, फेरे का वक्त हो रहा है। हाँ चलो। एक्सक्यूज मी। आई यार मसूरी में हनीमून, क्या बात है। कहाँ हो तुम? अपने लेफ्ट में देखिए। एक बात कहें आपको, पिंक में ना बड़ी अच्छी लग रही हैं आप। आपको क्या लगता है हम क्यों पहन के आए हैं पिंक कलर? वो अच्छा वो हमारे हमें ना, हमें प्यार हो गया तुमसे। हम इतना पसंद आ गए आपको। एक फोटो भेजो ना हमें दुल्हन बने हुए। ईगो के चक्कर में सब गड़बड़ कर दिया हमने। I love you. एक बात बोलें तुमसे, तुम पहले अपने लिए मंडप छोड़ के भागी थी, आज हमारे अपने प्यार के लिए भाग चलो हमारे साथ। कैसे भाग जाए? मम्मी पापा शरद उसके घर वाले, हम सबसे बात कर लेंगे, सबको मना लेंगे, मत करो ये शादी, तुम बस हमारे साथ चलो। चलो क्या हुआ? क्या एक उंगली चुनो। हम आपके साथ नहीं चल सकते सत्येंद्र, हम दोबारा अपने या किसी और के घर वालों का दिल नहीं तोड़ सकते। नहीं 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 आरती, हम रियली सॉरी आरती प्लीज। अगर हम तब गलत थे तो हम आज भी गलत है ना? तुम गलत नहीं थी आरती, प्लीज हम रियली सॉरी, तुम प्लीज किसी और की नहीं हो सकती आरती, आई लव यू। क्या करें? आरती अंदर कैसे आया? आप यही रुकिए।
बैठो उधर। चल पंडित शुरू कर, बैठो। अरे ससुर जी, शादी से भागने की आदत बना ली है इसने, पकड़ के लाए इसे। अरे पंडित शुरू करना, जो करना है। खड़े हो सत्तू। नहीं सत्तू, तू क्या कर रहा है? सत्तू रुको, जैसे हो रहे हैं आरती से प्यार करते समझ रहे हो? तुम पगला गए हो क्या? अरे रुक सत्तू, नहीं सत्तू नीचे, सत्तू नीचे, तुम इधर आओ। आरती हमारी नहीं हो तो किसी की भी नहीं होगी। गोली मार देंगे हम। क्या कर रहे हो यार, बात करते हैं हम लोग। अरे सत्तू नहीं मार दो, बाकी बात क्या बोल रहा है? आरती हमारी बस। अबे क्या कर रहे हैं, दिखाने क्या कर रहे हैं? अरे इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हैं? अबे ये क्या कर रहा है यार, बंदूक ताने खड़ा हुआ है, ये प्लान में नहीं था। अरे शरद जीजा जी, हम आपसे नहीं बोल रहे हैं, हम अपने सत्तू जीजा जी से बोल रहे हैं। है? क्या क्या है? ये क्या बात, ये अब क्या है? अब ये क्या है? क्या बोल रहा है? आप लोग क्या लगता है, बस आप लोगों को ड्रामा प्लानिंग ये सब करना आता है? डीएम बन गया हम, बताओ। आरती गई, यू स्टे हियर। बंदूक है, चल जाती है। हमें गन दिखाओगे? हमें गन दिखाओगे तुम? हमें गन दिखाओगे? मत, हमें गन दिखाओगे? ऊपर ऊपर हमें गन दिखाओगे तुम? हम वो, तुम हर शादी में गन निकाल लेते हो। सर बहुत तेज लग रही है सर, गुंडे करने तुम्हें। मारिया मत प्लीज, हमें गन दिखाओ। लग रही है, मारिया मत। मजाक उड़ा रहे हो? हां हम बता रहे हैं। क्या बताओगे? हम बता रहे हैं, बता। क्या बताओगे? सुनिए, हां क्या आपकी शादी हो रही है? तुम हमें तो बता सकते थे कि सत्तू से मिले हुए हो। अरे दीदी क्या करें, मार मार के हालत खराब कर दी उन्होंने। आधे घंटा आधे घंटा लाल लाल कर दिया पूरा। I'm really sorry. इनसे मिलो, ये है आरती के जीजा जी, तुम्हारे भी। No, no. Sorry, जीजू। नहीं but seriously, आप सबने इतना किया ना हमारे और आरती के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू पापा। मानना पड़ेगा, कमाल की एक्टिंग की आप लोगों ने। अब लाइए हमारा सहरा दे दीजिए। अरे सहरा दो जीजू, सहरा। पंडित जी कहाँ चले गए? पंडित जी को तो बुलाइए। अरे पंडित जी कहाँ गए? पंडित जी को बुलाइए। सदा सुखी रहो बेटा। दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा अपने अंगना। हाय दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा अपने अंगना। ना समझ तू चीज पुरानी, चेहरा मेरा पीस नूरानी, देखेगा तो खा जाएगा सौ सौ झटके। पल्लो लटके अरे मारो पल्लो लटके, पल्लो लटके अरे मारो पल्लो लटके, जरा सा जरा सा जरा सा टेढ़ो हो जा बाल मां। पल्लो लटके अरे थारो पल्लो लटके, पल्लो लटके अरे थारो पल्लो लटके। फेस विलेटी गुंगट देसी ब्लेंड बड़ा ही धाकड़ तो, बॉलीवुड मेरा डंका बजता डाउन तो रख थोड़ी अक्कड़ तू। ब्यूटी ने किए तेरे लौंडे बावड़े, बात अलग तेरे फेस में, रैकेट करीना गणी से पर तेरी जैसी न रानी पूरे देश में। रे धीरे धीरे चुनरी सरकने लगी मेरी, धक धक धड़कन बढ़ने लगी, थोड़ा क्लोज तो आ जा बेबी मुखड़ा दिखा जा, बिना पीते ही मुझे तो यारो चढ़ने लगी। साजना वे आँख तेरी है बदतमीज रे, पानी पानी कर दे शर्म से है ऐसी चीज रे। हो साजना वे आँख तेरी है बदतमीज रे, पानी पानी कर दे शर्म से है ऐसी चीज रे। है नियत की खोटी करती बदमाशी, बेईमान भी है ये अच्छी खासी, करती जावे ये शैतानी, खुद की कैसे करूं निगरानी, घूर जावे नॉन स्टॉप मुझे डट डट के। पल्लो लटके अरे मारो
लटके रे मारो पल्लो लटके जरा सा जरा सा टेढ़ हो जा बाल मां पल्लो लटके रे थालो पल्लो लटके पल्लो लटके रे थालो पल्लो लटके बाबा जी मसूरी की टिकट दिला दो टिकट की क्या जरूरत है तू आके चले जा हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है कमाल परिवार है हमारा हम तो भला तो सब भला